अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के सारे बेसिक्स देख लिए, अब आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका अप्लाइड पोर्शन देखेंगे, एक्चुअल में क्या आखिर इसका एप्लीकेशन होता कहाँ कहाँ पर है। यूपीएससी में इसके एप्लीकेशन पे ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही चीज यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यह है कि जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहता है ना, तो आपको चीजें समझने में ज्यादा अच्छी लगती है, और फिर आपको लगता है हाँ मुझे इसका मैकेनिज्म पता है, आई नो समथिंग अबाउट इट। तो इस वजह से हम लोगों ने बेसिक्स देखा था इतना, अदरवाइज देखने की कोई खास जरूरत थी नहीं उसकी, लेकिन आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, कैसे कैसे इसने तूफान मचाया, कैसे कैसे इसने तहलका मचाया है, तो उस चीज को देखेंगे। तो बेसिकली ना कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का तीन रिसर्च एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? पहला है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड एज कैटलिस्ट। देखो क्या है कि ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करना, माइक्रोब को या प्योर एंजाइम को इम्प्रूव करना, बेसिकली इम्प्रूवमेंट का काम करता है कैटलिस्ट की तरह यूज करने के लिए, तो ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करने में। दूसरा काम कहाँ पे, प्रोवाइड स्टराइल कंडीशन इन बायो रिएक्टर। ठीक है, जो बायो रिएक्टर है, बायो रिएक्टर में स्टराइल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए ताकि जल्दी से जल्दी ग्रो हो। और तीसरा क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया है ना क्या होता है, टू आइसोलेट डिजायर्ड प्रोडक्ट, वही चीज जो कि आपको लास्ट जो स्टेप बताया था, मैंने बताया था ना, याद है लास्ट स्टेप, तो वही चीज है ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में। ठीक है, मजा नहीं आया इसे पढ़ने में तीन चीजों को, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन की बात करें, तो एग्रीकल्चर में क्या कुछ इसका एप्लीकेशन हो सकता है, दिमाग जा रहा है कुछ थोड़ा बहुत बताओ तो, यस एग्रीकल्चर में सर, क्या था? यस सर। जैसे पहले धान बहुत कम होते थे, अब बहुत ज्यादा, मतलब ये देखो सबसे पहले तो क्या, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, जैसे कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो कई सारे मेथड हो सकते हैं उसमें बढ़ाने के, तो एक है एग्रोकेमिकल बेस्ड मेथड, यानी कि केमिकल्स के बेसिस पे, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, पहले नहीं हुआ करता था ये सब चीज। मैंने आपको बताया था ना बायोटेक्नोलॉजी एक स्टार्टिंग का एक बात का फेज, तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से पहले का फेज है, तो उन सब में ये चीज हुआ है। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। कैसे? बायो फर्टिलाइजर बनाने में, बायो फर्टिलाइजर है ना, बायो पेस्टिसाइड, ये सब का सब बनाती है। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ये सब बनाती है कौन? बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको क्लियर करती है। उसके आगे क्या है, जो तीसरा स्टेप है, देखो यहाँ पे दो स्टेप हम लोगों ने देखे, क्या क्या चीज, एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तीसरा क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जैसे कि उसे मेन बायोटेक्नोलॉजी हम उसे कहते हैं, जो कि जीएम क्रॉप होता है, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये से मैंने बताया था 20th सेंचुरी में ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे फूड प्रोडक्शन का 3 गुना बढ़ गया था, स्टिल मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, फूड प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा दो, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करो, सब कुछ करो, खाने का प्रोडक्शन 3 गुना ज्यादा हो गया, फिर भी वो हम लोग के लिए इनसफिशियंट था। पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि वो हमारे लिए तब भी इनसफिशियंट था। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, बताया था मैंने, याद है कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। सेम चीज रिपीट हो रही है, देखो मैंने रिपीटेटिव बार बार किया है ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार चीजों को रिपीट किया है। ऑलराइट, अच्छा कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस, मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, जैसे कि इरिगेशन को कैसे हम कंट्रोल करें, सॉइल को कैसे कंजर्व करें, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इनहेंस करें, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है, इंप्रूव सीड सब लाया जाता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये सब मैं किसके बारे में बताया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये सब चीज हुआ करता था है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या होता था, तान्या को एडमिट करो। तो क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता था उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में, कि हम लोग इरिगेशन पे ध्यान देते थे, सॉइल कंजर्वेशन पे ध्यान देते थे, सॉइल की फर्टिलिटी पे ध्यान देते थे, हम लोग एग्रोकेमिकल का यूज किया करते थे, जैसे कि फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके क्या है, फटाफट बताओ तो मुझे, एनपीके व्हाट इज एनपीके? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो इसी फर्टिलाइजर को जनरली सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देती है आज हमें। ठीक है, तो ये चीज है। उसका क्या है, यूज ऑफ इम्प्रूव वैरायटी ऑर्गेनिज्म, ये हाइब्रिड सीड्स वगैरह जो, ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन का हुआ करता था। बट इसलिए ना ग्रीन रिवॉल्यूशन की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, देखो जब हम लिमिटेशन समझेंगे तभी तो ये समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे उस चीज को संभाला, कैसे उस चीज को चेंज किया सब कुछ को। तो देखो क्या है, ये ना एग्रोकेमिकल तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, और वो इको फ्रेंडली भी नहीं होता। ऑब्वियस बात है, केमिकल आपको इको फ्रेंडली कैसे होगा, इससे सॉइल फर्टिलिटी भी लॉन्ग टर्म में रिड्यूस कर जाती है। ये सारी चीज देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा मेंस पर्सपेक्टिव से आपको हो जाएगा कंप्लीट एकदम। मैंने आपको कुछ चीजें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ाई है, और कुछ चीजें पूरा डीप में जाके मेंस तक पढ़ाया है, तो
ज्योग्राफी पूरा मेंस तक के लिए पढ़ा है, ये बायोटेक्नोलॉजी पूरा मेंस तक के लिए है, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ होगा आंसर, ठीक है। उससे आपकी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी आखिर क्या आता है, देखो ये आता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेकर के। अब जीएम का मतलब आप सबको पता है ना, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लेते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा सा जहाँ पे समझना है वहां पे हमें समझने का प्रयास करना है। ऑर्गेनिज्म डेट कंटेन जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज एंड जीन डेट इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसजीन। किसी और स्पीशीज से जीन को निकाल करके किसी और में डाल देने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीन, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, काम खत्म। एग्जाम्पल दे रखा है इकोलाई, इकोलाई क्या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो इकोलाई का वो क्या है, इकोलाई का वो फुल फॉर्म कौन बताएगा, ई से क्या होता है, मैंने कहा था ये रट लेना, एस्टेरिया एशीरिया कोलाई, एशीरिया कोलाई। हाँ अब देखो, अब एक और जीन है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, वो ट्रांस जीन कहलाएगा। अच्छा इंसुलिन, आपसे मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया भी था कि जो डायबिटीज हो जाता है उसमें हम इंसुलिन का यूज करते हैं, अपने बॉडी में जो इंसुलिन है वो खुद प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसी कमी हो जाती है तो फिर हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो इंसुलिन भी हम अलग तरीके से लेते हैं, पूरी इंसुलिन की कहानी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसे भी ट्रांसजीन कहते हैं, एग्जांपल दिया मैंने, है ना। उसके बाद क्या है, जीएम प्लांट, देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। हम लोगों ने दुनिया की सारी चीजों को मॉडिफाई कर दिया है ना, तो आधे भगवान तो हम खुद ही बन चुके हैं इंसान, साइंटिस्ट लोग सब, वो चीज है। उसके बेनिफिट क्या है जीएम, उसके जीएम प्लांट्स के, देखो बेनिफिट भी आपको पता होना चाहिए और नुकसान भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या है, इससे टॉलरेंस लेवल इंक्रीज कर जाती है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो कहीं पे क्या कहते हैं, ड्रॉट पड़ा है, सूखा पड़ा है, वहां पे अपने आप को सरवाइव करना है, आप कैसे करोगे। मान लो कि अभी खेती हो रही है, हो रही है, हो रही है, आपको अचानक से सूखा पड़ेगा, आप उसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना हम ऐसे जगह से किसी पौधे का हम लोग जीन लेकर के आए जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई ऐसा पौधा, कैक्टस वगैरह है ना, यस सर, तो उसमें कोई ऐसा जीन होगा, हम उसको लेकर के किसी प्लांट में डाल सकते हैं ताकि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए। हम पीएच ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, ऐसे टेम्परेचर का ध्यान रख सकते हैं, ऐसे सॉल्ट का ध्यान रख सकते हैं। मान लो देखो अगर मैंग्रोव है, मैंग्रोव का हम जीन लेकर के आ जाए, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। अब वो डाल दे अपने इधर के किसी प्लांट में, तो वो भी कम नमक में ग्रो करने लगेगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा है ना बेसिक, यस सर, यस। तो ये टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, और ए बायोटिक स्ट्रेस के विरुद्ध। अबायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है बताओ जरा मुझे, कौन एक्सप्लेन करेगा, वॉट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, अबायोटिक कंपोनेंट्स पूछे ना, तो बोलो। टेम्परेचर, सनलाइट, रेनफॉल। एग्जैक्टली, ठीक है। उस साथ क्या है, जो हार्वेस्ट लॉस होता है वो भी कम होने लग जाए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अच्छा ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है, इससे क्या समझते हो आप लोग, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से। इसमें लिखा है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाएगा, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नाम की कौन सी बला है, क्या बला है, ये क्या होता सर फसल पोस्ट वगैरह के बाद से लग। लोग हो जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, मैंने कहा पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कर लिया है, कटाई हो चुकी है, हार्वेस्ट उसके मतलब वो बाद होता फसल खराब होना, मतलब जो हम जब हम है ना। ये रखते हैं ना, क्या बोलते हैं गोदाम में, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज, साइलोज, शायद हाँ स्टोरेज में, साइलोज, वो तो वो स्टोरेज जल्दी होल्ड। खराब हो जाता होगा शायद पोस्ट। एग्जैक्टली, अब जैसे देखो ना टमाटर आपने मान लो कि उगाया, ठीक है, तब जैसे हमारे गांव में टमाटर उगता है तो बहुत छोटे छोटे बड़े क्यूट क्यूट टमाटर होते हैं, लेकिन पौधे में जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप तोड़ लो ना तो जल्दी खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर हम उन टमाटर, आप नॉर्मली भी घर में भी देखो तो टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता। और अब सोचो किसान है, किसान के घर से आपको मार्केट तक लेकर के आना है, पहले किसान क्या करेगा, जाएगा मंडी में जाने के जाकर के बेचने की कोशिश करेगा, उसमें उसे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, खर्चा उसमें आएगा, तब तक उसे संभाल करके रखो। उसके बाद फिर मंडी आएगा, मंडी से नॉर्मल छोटे मंडियों तक आएगा, फिर वहां से हमारे घर तक आएगा। और घर में भी क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हम लेकर के आते हैं उसी दिन बना लेते हैं, 2 दिन 3 दिन चलता है वो सब्जी, होता है ना सबके घर में। यस सर, हाँ टमाटर तो 1 सप्ताह चलता है। एक एक सप्ताह चलता है, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही सब्जी सब जो है वो चलता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग गोभी लेकर के और उसी दिन हम लोगों ने बना के खा लिया, नहीं, 3 4 दिन 1 हफ्ते तक चल जाता है सब्जी सब जनरली। तो ऐसी स्थिति में हमें उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना।
और इससे क्या होगा, आपका अगर मान लो धान थोड़ा भी मिसमैनेज हुआ तो वो चीजें खराब होने लग जाती है। गेहूं का ढंग से मैनेजमेंट नहीं हुआ, गेहूं खराब हो जाएगा, है ना। चावल का, धान का ढंग से मैनेजमेंट नहीं हुआ, धान खराब हो जाएगा। तो खराब होने का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का बहुत ज्यादा चांस रहता है। हार्वेस्ट तो आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन उसके आगे ना लॉस हो जाए, तो उस लॉस को कम करने का काम करता है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है, शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज कर देगा। क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करता है। उसके साथ न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी, ये वेल यहाँ पे नहीं होगा, वैल्यू होगा, ठीक है, इस गलती हो गई मात्रा की, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी इंक्रीज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था गोल्डन राइस का एग्जाम्पल, याद है कुछ गोल्डन राइस का एग्जाम्पल? याद है किसी को गोल्डन राइस का एग्जाम्पल? फिर ये लोग सर ये लोगों में, पता पढ़ा है लेकिन उतना याद नहीं कि क्या चीज बताएं इसमें। अरे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देंगे, एप्लीकेशन पोर्शन है। बेसिकली गोल्डन राइस में लोगों ने विटामिन ए डाल देते हैं, है ना, बीटा कैरोटीन जो है वो डाल देते हैं, विटामिन ए, जिससे कि चावल जो है वो फोर्टिफाई हो जाता है। अच्छा, हमें फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये मैंने बताया था, हम ये फोर्टिफिकेशन क्यों करते हैं? चावल में विटामिन ए हम लोगों ने क्यों डाल दिया? बोलो 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 बोलो। सर फोर्टिफाई मतलब किसी को उस पर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना होता है। नहीं, गलत। उसमें विटामिन ए डाले अपने आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए। बता दीजिए। अरे क्या, ये तो बेसिक चीज था, भूल गए इसमें, इसमें तो भूलने जैसा कुछ था ही नहीं। मैंने क्या कहा था कि अपने देश में गुरबत बहुत ज्यादा है, गुरबत, एक नया शब्द सीखा मैंने, गुरबत। पाकिस्तान वालों से, जब पाकिस्तान वाले जब भी आपस में इंटरव्यू लेते हैं ना, तो भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए कहते हैं, जब कोई उनसे कहता है कि भारत की जीडीपी देखो कितनी ज्यादा है, तो कहते हैं अरे जीडीपी वीडीपी छोड़ो, भारत में गुरबत बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गुरबत तो क्या होता है, इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो लोग के पास ना ऐसा नहीं है कि सब कुछ खाएं। तो मैंने बताया था कि चावल जो होता है, लोग चावल मार भात भी खा के लोग रह लेते मार हैं, भात खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन विटामिन इन सब की कमी होती है। अब कौन विटामिन ए का सोर्स खरीदने के लिए जाएगा, कौन पालक वालक खरीदेगा, कौन गाजर खरीदेगा, कौन बाकी सारे विटामिन? गरीब आदमी के पास थोड़ी उतना पैसा रहता है कि सब चीज खाए, डेली डेली फल खाए, सब्जी खाए, उनके पास उतना नहीं होता है। इसलिए सरकार क्या करती है अब, अच्छा विटामिन ए की कमी से क्या होता है पहले ये बताओ, नाइट प्लान नाइट ब्लाइंड ऐसा। तो विटामिन ए की कमी ना हो जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चावल के अंदर ही उसे डाल देता है विटामिन ए के जीन्स को, ताकि जो चावल होगा वो क्या होगा, वो विटामिन ए रिच हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई चावल खाएगा ना, तो चावल खाने से उसका बेसिकली विटामिन ए की भी कमी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार फोर्टिफिकेशन करती है। फोर्टिफिकेशन इसी को कहते हैं कि किसी एक चीज में दूसरे चीज को डाल देना, विटामिन को डाल देना, चावल में विटामिन को डाल दिया, किसी में कुछ को डाल दिया, किसी में कुछ को डाल दिया, जिसे बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो फोर्टिफिकेशन क्यों आवश्यक है, हम लोगों ने जाना कि लोग के पास होता नहीं है, तो उन्हें अलग से कोई अलग से सोर्स ना लेना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें वो डाल देते हैं दूसरा सोर्स, उसे तो बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इसी का नाम गोल्डन राइस क्यों है, ये गोल्डन राइस क्यों है, क्योंकि गोल्डन कलर का होगा चावल, है ना। यस अब मैं पूछूं गोल्डन कलर का क्यों होगा, ये आप बताओगे? सर ये सारा बताए हैं, तभी तो पूछ रहा हूं, बताओ। याद एक भी नहीं आ रहा। विटामिन ए गाजर में मिलता है, गाजर कौन से कलर का होता है, ऑरेंजिश, गोल्डिश, ऐसा ही कुछ होता है, रेडिश, है ना। एक्चुअली में बीटा कैरोटीन होता है, वो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है। तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन से ही बनता है, तो जो बीटा कैरोटीन है वही जब चावल में जाएगा तो वो गोल्डन कलर उसे प्रोवाइड कर देगा। सिंपल एज सिंपल एज दैट, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज हम कर सकते हैं। उसके साथ ही क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट ऑप्टिक मिनरल्स। अब देखो प्लांट जो है मिनरल ढंग से ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ये तो प्लांट की समस्या है कि एफिशिएंसी नहीं है, प्लांट अच्छे से मिनरल ले नहीं पा रहा है, तो उसकी भी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम कर देता है, सॉइल फर्टिलिटी को, लॉस को रिड्यूस कर देता है। ये सारी चीजें इससे होती है, ये इसके फायदे हैं। एप्लीकेशन, आ जाओ फटाफट एप्लीकेशन पे आता है। पहला एप्लीकेशन बीटी कॉटन। व्हाट इज बीटी कॉटन,
बीटी मतलब कि बैसिलस थ्रोनजेनेसिस, ठीक है, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस ये एक प्रकार का सॉयल बैक्टीरिया है, एक प्रकार क्या क्या सॉयल बैक्टीरिया ही है ये, ठीक है, मिट्टी का बैक्टीरिया, मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रोनजेनेसिस। ये नाम आपको याद होना चाहिए, दिमाग में छप चुका होना चाहिए, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस, जितने बार बोलो उतने बार कहो, ठीक है। उस बैसिलस थ्रोनजेनेसिस नाम का, अब देखो यहाँ पे बीटी कॉटन से ये मत समझना कि कॉटन का वो है, ये बेसिकली बैसिलस थ्रोनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के जीन को कॉटन में डाल दिया जाता है, ठीक है, क्यों डाला जाता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सब चीज कि बॉल वॉर्म नाम का एक डिजीज हो जाता है उसे, और उसका जो कपास होता है कपास खा जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस बॉल वॉर्म नाम के डिजीज को खत्म करने के लिए बीटी कॉटन का यूज होता है। आगे हम देखते हैं, सब सब मैंने लिख रखा है, छाप रखा है सब कुछ। देखो इधर इसके पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं क्राई जीन, ठीक है, क्राई जीन कहता है। अच्छा ये कंफ्यूज मत हो जाना कि क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन अलग है। क्रायोजेनिक इंजन का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना सर सुना तो है। तो है, क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन? कल पढ़ के आओगे क्रायोजेनिक इंजन, कल मैं आपको स्पेस का पढ़ाऊंगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कल क्रायोजेनिक इंजन पढ़ करके आना सब लोग, मतलब कल पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी जो भी कुछ होगा आपको जितना लगता है खुद से पढ़ के आना, अदरवाइज कल मैं पढ़ाऊंगा ही। और क्रायोजेनिक इंजन देखो दो तीन चीज पढ़ के आना, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक स्टडी ऑफ मिनरल्स स्टडी ऑफ मिनरल, हाँ रॉकेट सर, ये आप रॉकेट वाला बता रहे हैं ना? वाला बता रहा हूँ मैं, रॉकेट वाला, हाँ हाँ, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल्स। हाँ लास्ट स्टेज होता है बिल्कुल। और मटेरियल सॉरी, देखो अब हम ना धीरे धीरे उस मोड में आ रहे हैं कि अब हमें स्पेस टेक्नोलॉजी को शुरू करना है, तो ठीक है देखते हैं। इसमें तीन स्टेज होता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तो तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक का यूज करते हैं, तो थोड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी को देख करके आना अगर टाइम मिले तो, अदरवाइज तो हम लोग देखेंगे। तो वो चीज़ है, पहले एप्लीकेशन ही से खत्म करता है। देखो क्या है, क्राइजीन है, इसके अंदर, इसके अंदर बीटी, बीटी के अंदर, बीटी यानी कि बैसिलस थ्रोनजेनेसिस के अंदर एक जीन है, रोने वाला जीन है, ठीक है, क्राइजीन। अच्छा रावण का नाम, रावण एक्चुअल में कैसे पड़ा पता है? रा का मतलब होता है रोना, तो बहुत मतलब वो आपने सुना होगा कि कैलाश पर्वत को उठाने वाला था, वो कहता अरे भगवान को उठा के मैं नीचे लंका लेकर के जाऊंगा, तो कैलाश को जब उठाने की वो कोशिश किया ना, तो भगवान ने उसे अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से दबा दिया, उसके उस दबाने की वजह से रावण जोर जोर से कराहने लगा और उसके मुंह से रा आवाज निकलने लगा रोने की वजह से, तो रा मतलब होता है रोना, ठीक है, तो वो रोना, रोने वाला, रोतड़ू होता है रावण का मतलब, रोतड़ू, तो रावण जो है ना वो रोतड़ू था बहुत बड़ा, तो ये चीज है। जैसे क्राई जीन, यहाँ पे भी क्राई जीन है, ठीक है, ये क्राई जीन एक, अब देखो हमने जितना भी पढ़ा था आपका सैम्पलिंग वगैरह, जो भी हम लोगों ने डीएनए से पढ़ा था, डीएनए सिंथेसिस वगैरह, सब में अल्टीमेट हमारा गोल क्या था कि वो एक प्रोटीन अपना सिंथेसाइज करे जो हमें चाहिए, है ना, जो सिलेक्टेबल जीन हम लोगों ने चूज किया है वो अपने प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस करे, वही हमारा एंड गोल था। यहाँ पे भी क्राई जीन जो है क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद, तो यही चीज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, सिंस दिस क्राइजिन इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म हेंस इट इज कॉल्ड प्रोटॉक्सिन या बीटी टॉक्सिन। देखो खास बात समझना है, सपोज ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्राइजीन मौजूद है पहले से, क्राइजीन जो है बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है, किसी को ही मार देता है, किसी को मार सकता है, ये क्या करता है, ये बेसिकली ना आदमी का जो गट होता है, पेट होता है, पेट में एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसको ये फाड़ देता है अच्छे से, ठीक है, उस पेट को, इंसान के पेट को फाड़ दे, मतलब जिसमें जाएगा उसके पेट को फाड़ देगा इंसान, मतलब कि कीड़ों को, कीड़ों के पेट को फाड़ देगा, ये वो काम करता है, देखेंगे आगे कैसे काम करता है। लेकिन अब ये इतना खतरनाक जीन होने के बाद भी, इसके अंदर होने के बाद भी ये कुछ करता नहीं है इसे, ये बैक्टीरिया नहीं मरता है, क्यों नहीं मरता, क्यों नहीं मरता, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसके पेट में, बैक्टीरिया के पेट में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसे हम प्रोटोटॉक्सिन भी कहते हैं या फिर बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं, टॉक्सिन मतलब जहर होता है, ठीक है, तो प्रोटो जहर, प्रोटो यानी कि नकली जहर, बीटी का जहर नकली जहर, ठीक है, प्रोटो, तो ये चीज है क्या आपका प्रोटोटाइप कहते हैं ना, प्रोटोटाइप मंदिर का प्रोटोटाइप है या फिर इस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है, तो प्रोटोटाइप यानी कि एक्चुअली नकली उस चीज का मॉडल है, बेसिकली उसके अंदर जहर तो रहता है, वो जीन तो रहता है, लेकिन उसके अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो एक्टिव ये कम बन जाता है, कब बन जाता है, देखो जब ये कॉटन प्लांट में हम लोग डाल देते हैं, कॉटन प्लांट में हम कैसे डालेंगे, टीआई प्लाज्मिड का यूज करके, टीआई प्लाज्मिड हम लोगों ने देखा था, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, देखा था प्लांट एस के लिए यूज होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है याद है,
चलो प्लाज्मिड क्या होता है बताओ मुझे, कौन बताएगा प्लाज्मिड क्या होता है? रिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज प्लाज्मिड? वेक्टर होता है ना प्लाज्मिड, वेक्टर होता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए? क्या था उसके स्मॉल पहले? एग्जैक्टली, बाउंड्री रेप्लिकेट करता है, स्मॉल राउंडेड, और एक और खास बात, सेल्फ रेप्लिकेटरी था। ठीक है। रेप्लिकेट करता है। तो बेसिकली टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन, जहां जहां प्लांट आएगा हर जगह आप आंख बंद करके टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन डाल देना। ठीक है। और भी होते हैं, और भी होता है, ऐसा नहीं होता नहीं होते, पर जनरली इन जगह पे यही होता है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली हमें पढ़ने को मिलता है। तो फिर वो क्या करता है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कॉटन प्लांट में इसकी मदद से, और फिर ये बनाने लग जाता है क्राई प्रोटीन। कहाँ पे बनाने लग जाता है ये? देखो, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस जो है वो क्राई जीन बनाता है। ठीक है, और क्राई जीन जो है क्राई प्रोटीन बनाता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। सेम वही चीज लिख रखा है। फिर क्राई जीन जो है कॉटन में डाला जाता है, कॉटन जो है वो क्राई प्रोटीन उसमें आ जाता है, और हर एक सेल में आ जाता है, कॉटन की हर एक सेल में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए कि क्राई प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन कॉटन प्लांट इन एवरी सेल, एवरी सेल, तो यस, इन एवरी सेल, हर एक सेल में क्राई प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है कॉटन बॉल के, कॉटन के प्लांट में हर एक सेल में वहां पे आ जाता है। अब देखो, अब क्या खास बात होगी, जो इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट जैसे ही इंफेक्टेड कॉटन को खाएगा, ठीक है, इंफेक्टेड, अब ये इंफेक्टेड हो गया, कॉटन जो इन्फेक्ट हो चुका है, बोलो समझ आ रहा है ना, कॉटन इन्फेक्ट हो चुका है, कैसे हुआ इन्फेक्ट, समझ आ रहा है? यस। तो देखो, इन्फेक्ट हो चुका है, अब ये क्या करेगा, जब वो इंसेक्ट उसे खाएगा तो वो जो है वो जीन वो मिड गट के, इंसेक्ट की मिड गट में चला जाएगा। मिड गट यानी कि पेट में चला जाएगा। बेसिकली हम कहते हैं ना गट फीलिंग, गट फीलिंग, ये गट फीलिंग क्या होती है? गट फीलिंग जैसा कुछ नहीं होता, पेट की कोई फीलिंग नहीं होती। ठीक है, गट मतलब अपना पेट का हिस्सा होता है गट, एक्चुअल में पेट नहीं होता, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है गट। ठीक है, तो क्या होता है, मिड गट में चला जाता है, और वहां पे चूंकि से अल्कलाइन पीएच मिल जाता है, इस वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। मतलब कि देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया में है, बैक्टीरिया में जब तक है तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि उसके लायक कंडीशन नहीं मिली है, वो अल्कलाइन वहां पे पीएच नहीं है। अल्कलाइन पीएच का मतलब क्या होगा, एसिड पीएच होता है, बेस पीएच होता है, और तीसरा पीएच क्या होता है, अल्कलाइन पीएच, है ना, यही होता है, बेसिक एसिड और अल्कलाइन। अरे बोलो। यस हाँ, ठीक है, तो बेसिकली अल्कलाइन पीएच में जाता है ये, और वहां पे जाके जब वो प्लांट में जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब प्लांट को कोई कीड़ा खा जाता है ना, वो बॉलवॉर्म खाने लग जाता है, तो क्या करता है, उसके मिडगट में जाता है, वहां पे उसे परफेक्ट वो मिलता है एनवायरमेंट, वहां पे इनएक्टिव टॉक्सिन से वो एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। और सोचो, जब वहां पे जाएगा तो क्या तहलका मचाएगा, वो एपिथेलियल सेल, मिड गट के एपिथेलियल सेल में जाता है, वहां पे पोर्स क्रिएट करने लग जाता है, छेद करने लग जाता है वहां पे, जिससे कि सेल जो है वो सूजने लगता है, और सूजने बनने से अल्टीमेटली वो फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, लाइसिस हो जाता है उसका, और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। और वो क्यों, अब सर, उसके पेट में, बाजरा में भी यही होता है क्या? बाजरा में, अभी देखो इंडिया में ना जेनेटिकली मॉडिफाइड सब कुछ अलाउड नहीं है, हो सकता है पर इंडिया में अलाउ नहीं है ना अभी तक वो सारी नहीं, चीजें। जैसे जो बाजरा को ही जिनोरा बोला जाता है ना, क्या आई थिंक हाँ उसी को। नहीं, जो क्या चीज? बाजरा होता है ना, बाजरा होता है ना, हाँ, वो जानवर को खिलाने के लिए लगाया जाता है। तो जब तक पौधे में रहता है ना, तो उसको जो भी जानवर खाता है वो मर जाता है, उसकी है पेट फूलने लगता है, और फिर मतलब उसमें कीड़ा पाया जाता है, जो यही अभी पढ़ा है ना कि वो एक्टिव हो जाता है। तो लेकिन वो जानवर के ही खिलाने के लिए बनता है, तो कुछ समय बाद से फिर वो जब इनएक्टिव होता है, फिर उसी को काट के वो खिलाया जाता है, उससे दूध ज्यादा करती है मतलब गाय भैंस। हाँ, ये तो सुना है मैंने कि जानवर को खिलाने से वो मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, लेकिन उसमें अगर पेड़ में रहता है तो उसे नुकसान करता है जानवरों को। हाँ, जब छोटा रहेगा ना तो यही लिए जब लगता था पहले बाजरा हमारे तरफ, तो सारे अपने जानवर को बांध के रखते थे, और जिसका रहता था वो भी ख्याल रखते थे कि कोई, क्योंकि बहुत सारे देखते थे कि मर जाते थे जानवर। अरे पता ही नहीं था मेरे को तो, ये बढ़िया होता होगा, लेकिन मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, इंडिया में जेनेटिकली अलाउड नहीं, ही मैं नहीं है। यही यही मैं ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि शायद इसी जीन को उसमें डाला होगा। नहीं डाला हुआ, कह तो रहा हूँ अलाउ ही नहीं है इंडिया में, कुछ नहीं और चीज मतलब होगा, नेचुरल मैकेनिज्म होगा कुछ उसका। नहीं, जो भी हो मतलब
ये इसमें अभी जैसे बताया ना कि इसमें वही होता है, उसमें भी जीभ फट जाता है उसका, जो कीटाणु उसका खाने से, जैसे फटता तो नहीं है लेकिन बहुत फूल जाता है, फिर मर जाता है वो जानवर। लेकिन देखो इसमें क्या है ना, जो तुम कह रहे हो उसमें क्या है कि अगर मान लो वो बाजरे को काट करके अगर खिलाया जाता है जानवरों को, तो फिर जानवरों की डेथ नहीं होती है ना। तो वो तो बड़ा होने पे ना, वो बड़ा होने पे उसमें अगर जानवर खा लेगा खेत में भी तो कुछ नहीं होता, जब छोटा छोटा रहेगा तब मर जाता, अच्छा तो सुनो ना, यहाँ बहुत पे तब भी छोटे ये से मैच भी। नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मान लो आपका बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन चाहे कितना बड़ा हो जाए और चाहे उसे कीड़ा खा ले किसी भी स्टेज में, तो उसका पेट फट जाएगा, वो मर जाएगा ठीक है, किसी भी स्टेज में, चाहे वो काटने के बाद हो, मतलब फसल कटाई के बाद हो, चाहे फसल नहीं कटाई मैं से पहले हो रिलेट तब। कर रहा हूँ उससे, मैं बता रिलेट कर रहा हूँ, ये तो पता है कि अलग है वो अलग है, रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, रिलेट करने में अच्छा चीज है, नई इन्फॉर्मेशन मिल गया। याद आ गया, जैसे ही आप बोले ना कि खाने से ऐसे फैलता जाता है पेट फिर फट जाता, तो याद आ गया वही, तो ओके मैं सोचा कि शेयर कर दूँ, अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, सबको याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, और नई चीज पता भी चली तो अच्छा लगता है, जब नई चीज पता चलती है तो हमें भी खेती शुरू करनी पड़ेगी अब गांव जाकर। देखो बहुत कुछ बताऊंगा सर, गांव जो भी नया नया होता है। बताने से काम नहीं चलेगा, 100 एकड़ खेत मेरे नाम कर देना तब मजा आएगा। सर मेरे उतने हैं ही नहीं। जितना भी हो उतना नाम कर देना। छह बीघा है उसमें, चार भाई पापा, 6 बीघा में 4 भाई। पापा चार भाई हैं, अच्छा, तो ओवरऑल अभी इतने में सस्टेन नहीं कर सकता इंसान खुद। वही, अब मैं दो भाई तो समझ लीजिए कि मेरा कितना है वो। बहुत बढ़िया, शाबाश, होने वाली वाइफ, मैं उसका सोच रहा हूँ उसका क्या होगा, आईएएस बन गया तब तो पता नहीं। वो थोड़े ना खाना पहुंचाने जाएगी, मैं खेत जोतता रहूंगा। ठीक है। चलो वापस इधर आते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो अब देखो वो क्या होगा, पेट फटने से वो खा नहीं पाएगा, इस वजह से वो भूखे मर जाएगा। एक्चुअल ऐसा नहीं होता कि वो मर जाता है, वो मरता है भूख के कारण। जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, अगर कोई कहे कि उसका पेट फट जाता है उस वजह से मरता है, एक्चुअल में उस वजह से नहीं मरता, मरता है भूखे होने की वजह से, उसकी टिश्यू बर्स्ट कर जाती है, ये बात सच है ठीक है, जो सेल है वो फटने लग जाता है। लेकिन उससे क्या होता है, वो खाना खाना चाहता है लेकिन वो खा नहीं पाता, क्योंकि जो खाता है वो बाहर निकल जाता है छेद की मदद से, छेद हो जाता है उसके अंदर, तो इस वजह से भूख से मरता है वो। तो जो कह लो अल्टीमेटली, चाहे घी सीधी उंगली से निकालो, टेढ़ी उंगली से निकालो, घी तो निकल रहा है ना, वही बात है, मर तो रहा है ना, वो बात वो है। तो वो चीज है, इसे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी कहते हैं, क्राई प्रोटीन को हम इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी कहते हैं, इंसेक्टिसाइडल, जैसे हम कहते हैं ना फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो ये इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन होता है ये ठीक है। और बीटी टॉक्सिन जीन इज इंसेक्ट स्पेसिफिक, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही नुकसान पहुंचाता है, सब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता ये ठीक है। और ये क्या है, अब 2 प्रकार के होते हैं, Cry 1AC और Cry 2AB, ये 2 प्रकार के होते हैं ये बीटी कॉटन, ये कॉटन में डाला जाता है कॉटन के बॉल वॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। Cry 1AB जो है, ये देखो इंट्रोड्यूस इन कॉर्न, अब देखो 2 टाइप के मैंने आपको बताए ठीक है। अब एक होता है बाद, वो क्या कहते हैं, भुट्टे में, भुट्टा जानते हो क्या होता है, भुट्टा मेज, मक्का, हाँ मक्का 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 एग्जैक्टली। तो उसमें ना Cry 1AB नाम का डाला जाता है, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था 2 टाइप, तो इसमें Cry 1AB टाइप का डाला जाता है, जो कि भुट्टे में डाल करके क्या किया जाता है, उसको कॉर्न बोरर से बचाया जाता है, कॉर्न बोरर या फिर उसे स्टेम बोरर भी कहते हैं, एक प्रकार का इंसेक्ट ही होता है जो क्या होता है कॉर्न को खा जाता है, और या उसकी स्टेम बोरर भी कहते हैं, उसके स्टेम को ही खा जाता है ये। तो इससे बचाने के लिए हम Cry 1AB डालते हैं ठीक है, ये भी बैसिलस थुरिंजिनेसिस है ये भी, और उसी से निकाल के इसमें डालते हैं, इसी क्या कहते हैं बीटी मेज कहते हैं, बीटी मेज। क्या ये इंडिया में है, नहीं। क्या ये मास स्केल पे कहीं प्रोड्यूस होता है, हाँ। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है मास स्केल पे, यूएस में। क्या यूएस में इसके अलावा और कोई मेज होता है, नहीं, यूएस में सारे के सारे मेज इसी के होते हैं, यस। सारे यस नो कर लिए, क्लियर, यस शाबाश, ओके। तो अब देखो कई टाइप के होते हैं, अब देखो क्या है, बीटी टॉक्सिन आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट, देखो अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग बीटी टॉक्सिन होता है, जैसे कि लेपिडोपिट्रॉन टोबैको बर्ड वॉर्म के लिए ठीक है, डिप्टेरियन जो है ये फ्लाइज और मस्कीटोज के लिए, सीलोप्टेरन जो है बीटल्स के लिए, नाम याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ये जान लेना कि अलग के लिए क्या,
आर्मी होम। नाम है आर्मी वॉम, नाम है, सर्च करके देखो कैसा दिखता है, सर्च करो आर्मी वॉम कैसा दिखता है देखने में। देखा तो बताओ सारा ठीक मूड है, खराब समझ गया हो समझ गया। ठीक गया। हाँ ये आर्मी वॉर्म है, ठीक है नाम ही है वो। तो टोबैको बर्ड वॉर्म भी कहते हैं, मतलब वॉर्म कहते हैं उसे, घुटने में अब लगा हुआ है वो, उसके तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है तो हो तो सकता है ना। अंदर लग रहा है। हाँ उन्हीं सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है इन सब चीज का। तो ठीक है याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा था अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह पे डाल जा सकता है। तो बीटी कॉटन होता है, बीटी ब्रिंजल होता है, बीटी सोयाबीन होता है, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है सब कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला, इंडिया में अप्रूवल मिला है कॉटन को, मस्टर्ड को लाने की बात चल रही है पर अभी तक आया नहीं है, ब्रिंजल को लाने की बात चल रही है आया नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या होगा बताओ, क्या होगा इससे, नुकसान क्या है। सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि सारा तो यही सोचेगा यही कराने के लिए, तो इसको कंडीशन एक भी चीज नहीं मिला तो ये खत्म हो जाएगा, पूरे पर जाति ही खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर इसका कुछ हो गया, कुछ आपदा आ गई, तो प्रजाति खत्म हो जाएगी, फिर हम खाएंगे क्या, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। वही तो मेन जो मेन जो है ना वो डाइवर्सिटी का इशू है। ठीक है चलो, फिर गोल्डन राइस पे आ जाते हैं, वही सब चीज हम लोगों ने देखा है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन होता है उसके अंदर, मैंने बताया था, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ठीक है साइंटिस्ट ने इसे कहाँ से निकाला है, कैरेट से या डैफोडिल से। आप देखो यहाँ पे ये नाम याद रखना, एक मैंने कहा था कैरेट से मिलता है विटामिन ए बीटा कैरोटीन, और दूसरा मिलता है डैफोडिल से। डैफोडिल जानते हो क्या होता है, डैफोडिल फ्लावर फ्लावर होता है, कितना सुंदर होता है डैफोडिल, है ना। हाँ यस। तो वो भी विटामिन ए रिच होता है, तो डैफोडिल वगैरह से भी निकाला जाता है, तो डैफोडिल से और उससे। अब देखो क्या है, सेम इसमें टीआई प्लाज्मिड की मदद से, एग्रो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रो बैक्टीरियम ड्यूप्लिकेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, किसमें डाल देंगे इसे, ओराइजा सताइवा में। ओराइजा सताइवा नाम है एक चावल की प्रजाति होती है, हम उसमें डाल देंगे, ओराइजा सताइवा नाम के चावल में डाल देंगे। ठीक है फिर क्या होगा, ये चावल जो है इसे कहा जाएगा ट्रांसजेनिक क्रॉप विच इज नाउ हैविंग बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन विच इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन। सेम चीज गोल 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 घुमा घुमा के लिखा है, ठीक है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, गोल गोल घुमा घुमा के लिखा है, और इसी वजह से मैंने कहा कि गोल्डन कलर के होता है, वो भी जितना लिखा उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। ठीक है उस हिसाब से मैंने आपको लीच का एग्जाम्पल दिया था, लीच का है खून चूसने वाला। यस दिया था। तो देखो हिरुडिन जो है एक प्रोटीन होता है, हिरुडिन इज अ नेचुरल एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ब्लड। ठीक है ब्लड सकिंग लीच, हिरुडिन एक प्रोटीन होता है जो कि एंटी कोगुलेंट होता है ना, वो वहीं से निकाला जाता है, और फिर टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की मदद से उसे रिकॉम्बिनेंट बना दिया जाता है और ब्रेसिका नेपस में डाल दिया जाता है। ठीक है ब्रेसिका नेपस एक बार सर्च करो लो क्या होता है, देख लो एक बार फटाफट सर्च करके, फटाफट कर लो से क्या ब्रेसिका नेपस एक बार सर्च कर लो क्या होता है। हाँ देख लिया, रैपसीड को कहते हैं रेपसीड, से क्या मैंने क्या बोला आपको। सर, आपने बोला ब्रेसिका नेपस सर्च करने के लिए, हाँ देख लिया। ये वेजिटेबल ऑयल क्रॉप है, रेप बिल्कुल बिल्कुल, सीड। ये अरे सीड भी कहा जाता है। तो बेसिकली तोड़ी है इसमें सर, सरसों। सरसों, सोर्स ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन फॉर फूड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बट ऑल्सो एज अ रेमेडी इन अ फील्ड ऑफ अट्रैक्शन और एज एन ऑर्नामेंट ड्यू टू इट्स डाइवर्स फ्लावर कलर्स। इसीलिए तो उसका नाम रेप सीड है। हाँ देखो कैसा होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए का, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन प्रोड्यूस होगा हिरुडिन नाम का, सिंपल सा सेम फंडा। हिरुडिन गेट स्टोर्ड इन द सीड ऑफ ब्रैसिका नेपस, ब्रैसिका नेपस के सीड में, ये देखो कॉटन में जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस डाला है ये हर एक सेल में होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है जो कॉटन में होता है हर एक सेल में होता है, और जो ब्रैसिका नेपस है इसके सीड्स में, इसके बीज में होता है हिरुडिन। ठीक है अब क्या होगा,
डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के बाद, प्योरिफिकेशन सेपरेशन के बाद हीमोडीन जो है वो प्रोड्यूस होगा, गिवन टू पेशेंट वाया इंजेक्शन। पेशेंट पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। सिंपल सा क्या होगा बेसिकली, समझो मेरी बात। आपका खून जो है वो रुक नहीं रहा है, कॉगुलेट बेसिकली एंटी कॉगुलेंट है, तो जहां पे कॉगुलेट हो रहा है ज्यादा आपका खून कॉगुलेट हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज आप में एबी वाले हो, अगर एबी वाले छोड़ो, मान लो कि कोई बी पॉजिटिव है, ठीक है, उसे आपको ए पॉजिटिव का खून डाल दिया तो क्या होगा, खून कॉगुलेट होने लगेगा। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम हीरोडीन सर प्रोटीन को डाल दें। हीरोडीन प्रोटीन कैसे मिलेगा हमें, हम क्या करेंगे, हम लोग एक बैक्टीरिया आता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की मदद से हम उसको क्या करेंगे, रेप सीड में डाल देंगे। जब उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, उसके बीजों में हीरोडीन प्रोटीन स्टोर हो जाएगा। वहां से हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग हम लोगों ने देखा था सब कुछ, है ना, उस सीड्स के मदद से हम लोग निकाल लेंगे हीरोडीन को वहां से, और फिर उसको हम इंजेक्शन के थ्रू डाल देंगे बी पॉजिटिव वाले के इंसान के अंदर, ताकि कॉगुलेट होना बंद हो जाए खून। क्लियर, सारी कहानी क्लियर है। यस सर। शाबाश। देखो अब आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये देखो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, आरएनएआई टेक्निक, शायद मैंने अच्छे से नहीं बताया है ये, देखते हैं। आरएनएआई टेक्निक क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, उसे हम कहते हैं एमआरए साइलेंसिंग, ये भी हम उसे कहते हैं। तो आरएनए में इंटरफेरेंस होता है, एमआरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, वो चीज है। क्या होता है, नीमाटोड, नीमाटोड राउंड वॉर्म को कहते हैं। देखो इन सबको सर्च करोगे ना तो बड़े गंदे गंदे दिखते हैं, ठीक है, राउंड वॉर्म, अर्थ वॉर्म, सबके सब उसी कैटेगरी का है नीमाटोड, ठीक है। नीमाटोड जो है ये प्लांट को भी एनिमल को भी दोनों को पैरासिटाइज करता है, पैरालाइज नहीं लिखा है, देखो ध्यान से, पैरालाइज नहीं करता, पैरासिटाइज करता है। पैरासिटाइज का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर परजीवी की तरह रहता है, जैसे बाल में जू रहता है, ठीक है, तो पैरासिटाइज नीमाटोड। जैसे कि एनिमल में एस्कैरिस नाम का है, ये नीमाटोड का एग्जाम्पल है। एस्कैरिस सांप की तरह, सांप की तरह तो नहीं दिखता, बेसिकली काजू वाजू की तरह दिखाई देता है, देख लेना कभी मन होता, बड़ा अजीब सा दिखता है एस्कैरिस, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मीलो आइडो गाइनी इग्नो इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया मीलो, मीलो आइडो गाइनी इनकॉग्निशिया जो है ये इन्फेक्ट कर देता है टोबैको प्लांट के रूट को। टोबैको यानी कि क्या होता है, टोबैको का, टोबैको जानते हो क्या होता है, हाँ, तंबाकू तो तंबाकू का जो पौधा होता है ना उसके रूट को ये इन्फेक्ट कर देता है, कौन सा बैक्टीरिया, मीलो आइडो गाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड जानते हो क्या होता है, यस सर, क्या होता है, वो कुछ कहीं कहीं सुना हुआ कहीं कहीं सुना हुआ है, कभी यूज नहीं किया, वही तो ध्यान नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे ध्यान नहीं आ रहा, ये तो ध्यान आना चाहिए, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, पक्का बताओ भाई, इनकॉग्निटो मोड, वेनिस मोड किसी को पता हंसी आ रही है। ठीक है, ओके, बेसिकली इनकॉग्निटो क्या होता है, जिसमें, अगर आपको इनकॉग्निशन मोड होता है। हाँ ठीक है, इनकॉग्निशो कह दो, ठीक है, इसीलिए हाँ हंसी आ रही थी क्या, सर ठीक है सर। ठीक है। तो क्या क्या चीज इनकॉग्निटो, होता है सर, बताइए थोड़ा सा। गूगल खोल के देखना, उसमें इनकॉग्निटो मोड आएगा, वो खुद सर्च करना क्या होता है। गूगल जब खोलते हो ना, बेसिकली वो चीज रहता है, ऐसा मोड जिसमें कि आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है, आप कुछ भी चीज सर्च करोगे आपकी सर्च ब्राउजिंग हिस्ट्री में नहीं आएगा, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में नहीं आता है, वो स्टोर नहीं होता डेटा, आप छुप करके करोगे, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। बट ये मत समझना कि आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, सारा का सारा डेटा स्टोर रहता है, वो कभी भी पता लगा सकती है सरकार, सरकार छोड़ो कोई हैकर भी पता लगा सकता है, तो ये खाली, ठीक है सर जी। हाँ हाँ, छलावा होता है ये। तो ऐसे ही मीलो आइडोगाइनी इनकॉग्निशिया है। मैंने पता है क्यों बताया, क्योंकि ना एक बार ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, वोल्टी क्या होता है, वोल्टी क्या होता है पता है, यस सर, एलटी और वोल्ट, एलटी क्या होता है एल्टी वोल्टी में डिफरेंस, जैसे एलटी मतलब जी सर बता रहे थे कि एलटी मोबाइल मतलब ना वोल्ट वोल्ट एलटी लेना, क्यों क्यों लेना वोल्टी, ये तो उतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जैसे अब हमारे नेटवर्क में लिखा हुआ रहता है वोल्ट एलटी या एलटी, तो उतना नहीं पता। अब देखो यही चीज यूपीएससी ने क्वेश्चन बना के पूछ दिया था उसके एप्लीकेशन के ऊपर,
कैसा क्यों होता है, वोल्टी का एलटी के ऊपर फायदा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था। बेसिक चीज है, आपको पता नहीं होता, इस वजह से मैंने सोचा इनकॉग्निशिया भी आपको बता दूं। इनकॉग्निशिया, हाँ ठीक है, इनकॉग्निशो मोड। तो पता करना क्या होता है वोल्टी एलटी, डिफरेंस जानने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी यस आसपास हो रहा यस होता है ना, एक अवेयर इंसान की तरह, अवेयर नागरिक की तरह आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो क्या करता है मिलो आइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, जो है कि टोबैको प्लांट के रूट को ये इन्फेक्ट कर देता है, जिसे हम रूट नॉट डिजीज भी कहते हैं। कौन सी बीमारी देता है? रूट नॉट डिजीज, ठीक है, जिससे क्या होता है टोबैको प्लांट की यील्ड कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखा, ऑल यूकैरियोट हैव नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। सारे यूकैरियोट में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आपके अंदर भी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जानवरों के अंदर भी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सब में होता है, ठीक है। तभी देखते हो हम अगर कुछ बीमार होता है तो थोड़ा ठीक भी हो जाता है कुछ दिनों में, वो चीज है, जनरली ये होता है। ओके, तो होता क्या है, निमाटोड है, निमाटोड से हम लोगों ने एमआरए निकाला, एमआरए से हम लोगों ने प्रोटीन निकाला, और ये प्रोटीन जो है ये मेटा निमाटोड के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अब देखो खास बात समझो मेरी बात, जो निमाटोड है, निमाटोड में आपका ये प्रोटीन है, ठीक है, एमआरएनए है, ये क्या करता है, ये इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बताना चाहेगा मेटाबॉलिज्म? इतना सन्नाटा किया था। याद नहीं आ रहा तो बाकी दोनों मेटाबॉलिज्म समझो भी खाना खाते हैं उसको एनर्जी में चेंज करना, फिर एग्जैक्टली जब खाना खाते हैं एनर्जी में चेंज करना, एटीपी मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम जो काम करते हैं दिन भर उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। जिसका बच्चों का कहते हैं बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है, कि मतलब दिन भर थकते नहीं है, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सबसे ज्यादा काम बच्चे करते हैं, दिन भर खेलेंगे, दिन भर धवा चौकड़ी लगाए रखते हैं, तो मेटाबॉलिज्म होता है। तो जो नीमाटोड का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, ये डिपेंड करता है इस प्रोटीन के ऊपर। अब देखो यही प्रोटीन नीमाटोड का उसको गवार कर देता है, किसको, टोबैको के प्लांट के रूट को, यानी कि टोबैको प्लांट को बर्बाद कर देता है। लेकिन ये नीमाटोड के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या चाहेंगे कि जो इसमें क्या वो मेथड काम करेगा कि हम वो जीन इसमें डाल दें तो फिर वो डेथ ना हो, ये ऐसा कुछ काम करेगा इसमें? नहीं करेगा, समझो मेरी बात। यहाँ पर ये इसके लिए नेसेसरी है ये जीन, ठीक है, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करेगा। उसमें क्या होता था, उसमें वो साइलेंट मोड पे रहता था, जो कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ठीक है। और दूसरे प्लांट खाया करते थे, दूसरे इंसेक्ट खाया करते थे। यहाँ पे अगर मान लो हम लोगों ने बीटी डाल भी दिया तो इसके अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जो बीटी अगर आप इसके अंदर डाल देते हो तो ये आपको टोबैको को खाने वाले के अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोटीन प्रोड्यूस होना बंद हो जाए। अगर ये प्रोटीन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, वो मर जाएगा। तो भाई बात है, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म के लिए वो इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इतना समझ आ रहा है मेरी बात? अब देखो समझो मेरी बात, हम अगर मान लो उसका प्रोटीन रोकना है, तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो आपका डीएनए है उसे भी बंद करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब अगर हम एमआरएनए है, अगर हम उसे समाप्त कर दें तो हम अपना काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वी वांट नेमाटोड टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग दिस प्रोटीन, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए इनटू डबल स्टैंडर्ड। देखो नेमाटोड है, नेमाटोड के अंदर एमआरएनए होता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एमआरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मैंने आपको बताया था मैसेंजर का काम करता है। अगर आप इस आरएनए को डबल स्टैंडर्ड बना दो, ठीक है, अगर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए किसी हिसाब से, तो क्या होगा, ये जीन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, है कि नहीं है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर ही बदल गया, स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो फिर ये कैसे अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसी को कहते हैं, इसी मेथड का हम यूज करते हैं, जिसका कि हम लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। क्या नाम दिया है, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि उसका एमआरएनए प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इधर, देखो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, हम आरएनए में इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, एमआरएनए को साइलेंस कर देता है, तो यही इसका नाम है, एमआरएनए साइलेंसिंग या फिर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक।
तो ये खास बात है, इसके दो नाम है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो जरा समझने का प्रयास करो, बड़ा इजी है। देखो हम क्या करेंगे, हम लोग बताया कि उसमें हमें क्या करना है, जो टोबैको का वो बैक्टीरिया है, जो जो इंसेक्ट है, वो हमें उसका एमआरएनए को साइलेंस करना है, सिंपल सा, हमें उतना फंडा पता चल चुका। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टोबैको प्लांट में हम नीमाटोड का डीएनए डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे वो उसका जब डीएनए आ जाएगा तो क्या है, नीमाटोड के एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब उसका डीएनए इसमें आ गया, अगर वो उसे खाएगा तो वो उसके बाद चला जाएगा, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने उससे उसका डीएनए निकाल करके नीमाटोड का डाल दिया, किसमें, प्लांट में। अब प्लांट के पास भी वो चीज आ चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ उसका, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। अब वो प्लांट के पास आ चुका है, तो जब नीमाटोड उसे खाएगा, अब पहले वो जाएगा कैसे, फिर वही चीज, टीआई प्लाज्मोडा फैग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन की मदद से जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसे सेंस और एंटी सेंस स्ट्रेंथ दोनों का दोनों उसमें डाल देंगे, बेसिकली वो डबल स्टैंडर्ड होगा। हे अब देखो इसमें एक काम करो, अपने फोन में ना हेयर पिन स्ट्रक्चर सर्च करो, हेयर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर सर्च करो, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर SIRNA, ये सर्च करो, हेयर पिन स्ट्रक्चर ऑफ SIRNA सर्च करो। तो जरा इसमें इमेज डालना भूल गया, कल घर में पूजा थी, आप लोग व्रत में थे कल, किया था पूजा महाशिवरात्रि का? नहीं सर, कोई ना, पहले से पता नहीं था। अरे पता नहीं था इतना फेमस है तो। अरे नहीं, कल रात को पता चला, मतलब ओके कल रात को, मैं परसों रात को, तो करने के पहले एक दिन पहले से होती है ना ये सब। बिल्कुल वही ना। ओ ठीक है, तो मतलब वही कि कल मैं इसलिए इमेज वगैरह नहीं डाल पाया, कल मेरे पास टाइम नहीं मिला ज्यादा। तो बेसिकली इतना समझो, यहाँ पर वो जीन उसके अंदर आ जाता है, प्लांट के अंदर, और जब वो उसे खाएगा, निमाटोड उसे खाएगा, तो ये डीएनए उसके अंदर जाएगा। अब उसका जो सिंगल एमआरएनए है वो उसके अंदर ना एक रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, बेसिकली कहानी में आपको एक बार और वो करवा दूंगा, समराइज करवा दूंगा। बेसिकली उसमें SIRNA जो अभी हमने देखा था पिन लाइक स्ट्रक्चर में, वो रिस्क कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या होता है, उसे साइलेंस कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। रिस्क रिमूव दिस सेंस स्टैंड, मैंने आपको बताया दो स्टैंड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक होता है सेंस, एक होता है एंटी सेंस। तो सेंस स्टैंड को, एंटी सेंस स्टैंड को हटा देता है, मतलब देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, कहानी समझ आएगी सारी। ये नीमाटोड है आपका, ठीक है, लंबा होता है वैसे तो नीमाटोड, मान लो ये आपका नीमाटोड है, ठीक है। इसके अंदर से आप लोगों ने उसका डीएनए निकाला, ये इसके अंदर जो ये होता है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन जो सिंथेसाइज करता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए, हमारा काम क्या है, इस सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड बना देना, ताकि अपना काम करना है ये बंद कर दे, सिंपल हमारा काम ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके डीएनए को डाल देंगे प्लांट में, ठीक है, मतलब कि हम बेसिकली प्लांट में डालेंगे, टोमैको के प्लांट में। कैसे डालेंगे, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियम की मदद से इसे इसमें डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ना उसके सेंस और एंटी सेंस नाम का वो दो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है। ये डीएनए में इसके दो स्टैंड होते हैं, सेंस और एंटी सेंस स्टैंड, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्या है ये, बेसिकली ये इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर ही ना एक और होता है चीज, जिसे हम कहते हैं रिस्क, RISC, ठीक है, रटना नहीं है, बेसिकली कंसेप्ट समझो। ये क्या होता है, इसके सेंस स्टैंड को रिमूव कर देता है, इसमें से एक स्टैंड को ये गायब कर देता है। तो बचा क्या, एक स्टैंड, ये एक स्टैंड जाता है इस नीमाटोड में, जब नीमाटोड उसे खाता है वापस से, तो अपना ही इसके अंदर दोबारा से चला जाता है स्टैंड। तो एक स्टैंड उसमें पहले से था, दूसरा स्टैंड यहां से गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों का दोनों जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा। अभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये प्रोड्यूस को प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जो कि नीमाटोड के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से नीमाटोड मर जाएगा। बोलो, कहानी समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, मुझे ऐसा फील होता रहता है कि कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो, फिर आगे निकल जाओ। आ गए ना, क्लियर है ना सबको, साक्षी आप साक्षी यस सर, यस सर, यस। हो, ठीक है। उसका अगला देख लिया, फ्लेवर सेवर टमाटो, ये क्या है, ये बेसिकली नॉर्मली एंजाइम है, पॉली गैलेक्टो क्या है, पॉली गैलेक्टरोनेज, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टोमेटो के राइपनिंग के लिए, राइपनिंग यानी कि पकने के लिए,
तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें भी आरएनए इंटरफेरेंस के मदद से उसे साइलेंस कर देते हैं, जिससे क्या होता है टोमेटो का राइपिंग जो है डिले हो जाता है, टेस्ट रिस्टोर हो जाता है, साइज इंक्रीज कर जाता है। सिंपल सा समझो ना, टोमेटो में यूज करते हैं, टोबैको में यूज करते हैं, कई जगह भी यूज करते हैं। मैंने मेनली आपको बताना था इस मेथड को, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड को। आरएनए इंटरफेरेंस मेथड आपको पता हो जाना चाहिए क्या है, आरएनए में इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं, ताकि वो अपना जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग है वो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग ना रहे, इस चीज के लिए कहते हैं। तो मुझे बताना था, इसलिए आपको ये मैंने दो एग्जांपल दे दिया, ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर का देखिए एप्लीकेशन। अब मेडिसिन में आ जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन में देखो, मेडिसिन में दो चीज है, एक तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और एक जीन थेरेपी, दोनों देखते हैं क्या है। देखो इंसुलिन हमें चाहिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, बड़ा ही मजेदार कहानी है इसका। बेसिकली इंसानों में पाया जाता है इंसुलिन। अब इंसानों को इंसुलिन की कमी हो गई तो इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, ठीक है, समझ नहीं आ रहा होता। ऐसी स्थिति में इंसानों को पता चलता है कि कुछ जानवर है, जानवरों में पाया जाता है इंसुलिन जैसा, तो हम उसमें से निकाल लेते हैं, जैसे सुअर में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या किया इंसान लोगों ने, सुअर से अपना निकालना शुरू कर दिया वो इंसुलिन। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो सुअर के शरीर का है, तो एक तो अपने आप में क्या ह्यूमन के शरीर में उतने बढ़िया तरीके से जा पाएगा वो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, समस्या हो सकती है ना, क्योंकि इंसान के अंदर का इंसुलिन और उसके अंदर का इंसुलिन में डिफरेंस होगा, कुछ डिफरेंस हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है। तो सुअर के उससे निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मतलब पॉसिबल हो पाएगा लेकिन फिर भी इंसान के शरीर में उतना अच्छे तरीके से कंपेटेबल होगा नहीं होगा, इस बात का हमेशा संशय रहता है, तो उसे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा एक और रीजन, आप कितने सुअर मारोगे, है ना, एक है ना, तुम कितने सुअर मारोगे हर घर से सुअर निकलेगा, ऐसी बात तो है नहीं, तो वो चीज है, सुनाइए तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, सुनाइए नारा, यस ये सर भी वही तो लगाया गया मैं था। सोच रहा था कि मैं गलत तो नहीं सुन लिया कितने सुर। नहीं नहीं मैंने बोला यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि तुम कितने सुअर मारोगे हर घर से सुअर निकलेगा, ऐसे सीन नहीं है, सुअर लिमिटेड ही, अफजल भले इतना ज्यादा हो कीड़ा मकोड़ों की तरह, सुअर उससे अच्छी स्थिति में है, ठीक है, सुअर अच्छा है उससे अफजल से। तो देखो क्या है, हमें उतने ज्यादा सुअर अपने पास है नहीं, तो ये बड़ी एक अनसस्टेनेबल टाइप चीज है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो चलो इसी क्यों ना हम लोग जीन थेरेपी के, हम लोग सॉरी इसके मेथड से हम लोग बेसिकली करें कि कुछ इकोलाई का यूज करके या किसी और बैक्टीरिया का यूज करके खूब सारा प्रोड्यूस कर लेते हैं ये, और ह्यूमन जीन से ही, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन से ही कर लेते हैं। तो क्या क्या सेम वही चीज, इंसानों के अंदर से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाला हम लोगों ने, उसमें एक वेक्टर की मदद से, प्लाज्मिड की मदद से डाल दिया बैक्टीरिया में, एशीशा कोलाई में, एशीशा कोलाई ने उसे अपने साथ कंबाइन करके उसे प्रोड्यूस किया, और फिर एशीशा कोलाई से ही हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे इंसुलिन बना लिया, और फिर हम लोगों ने अपने अंदर डाल लिया, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, देखो पूरी दुनिया में लगभग ना 30 दवाएं लगभग ऐसी है जो कि डिस्कवर कर दी जा चुकी है, थेरापेटिक्स डिस्कवर कर दी जा चुकी है, जो कि 12 इंडिया में मार्केट मार्केट हो रही है। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना, दुनिया भर में 30 है, इंडिया में 12 है, ठीक है, 12 है इंडिया में जो कि यूज है, मार्केट की जा रही है। अच्छा इसका एडवांटेज क्या हो सकता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड थेरापोटिक्स का, एक तो मास प्रोडक्शन आप कर सकते हो इससे, सुअर के साथ आप मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, ये सेफ होगा, इफेक्टिव होगा, सब समझ लिया, क्यों होगा सेफ इफेक्टिव, क्योंकि ह्यूमन जीन से ही बनाएगी, सुअर के जीन से नहीं बना, ठीक है। उसका क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन से कम करेगा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को कम करेगा, सेम वही चीज, सुअर जो है, सुअर का जीन जब जाएगा तो इम्यून जो आपस में कहेगा नहीं नहीं इसे मत आन दो, मत आन दो, मत आन दो, तो रिएक्शन कम होगा इसमें, क्योंकि क्योंकि इंसानों का ये जीन होगा वो, ठीक है। ओके आ जाते हैं जी, इंसुलिन, इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास, तो ये खास बात है, इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा इसमें लिख दिया है, पैनक्रियास में बीटा सेल होता है, ठीक है, वहां से प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होता है, व्हाट इज पैनक्रियास, फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक है, वो पता है ना जो क्या लीवर करता है के बाद पेनक्रिया। होता है, मतलब वो उसे पेनक्रियाटिक जूस निकलता परफेक्ट परफेक्ट, ये बेसिकली पेट के अंदर ही होता है ना, एब्डोमेन में, पेट में ही होता है ये। और पेनक्रियास किसके तरह दिखने में होता है, पेनक्रियास को देखने में कैसा होता है, क्या कह सकते हैं, है, गड्डू की पत्ता तरह, के जैसा, है ना, पत्ता के क्या जैसे, बोला साक्षी ने, क्या पत्ते बोला के जैसा, साक्षी ने, क्या बोला, कुछ भी बोलो, साक्षी तो बोल करके चुप हो जाती है, ठीक है, जो भी होता है आपको पता है सारी चीजें। तान्या ने बोला अच्छा क्या बोला तानिया ने, हाँ मैं बोल रही थी पी लाइक स्ट्रक्चर।
पी की तरह। अच्छा मटर मतलब साबुत मटर, ओके ओके मुझे लगा मटर के दाने की तरह, ओके ठीक है। पी लाइक सेक्टर कह सकते हो, ठीक है अपना अपना देख लो, जिसको जैसा लग रहा है वैसा कर लो इमेजिन, ठीक सर है। पत्ता जैसा तो लगता नहीं है, लंबा सर थोड़ा सा रहता है, थोड़ा अब देखो पतले मुझे टाइप उसमें, का। मुझे उसमें रिवॉल्वर नजर आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसे पत्ता नजर आ रहा है, और तान्या को उसमें मटर नजर आ रहा है, तो जिसको जो नजर आ रहा है वो देख लो, ठीक है। कोई इतना मत, यस हाँ अपने समझ को गए, बस यही है काफी। बस बस, हाँ। मुझे खतरनाक चीजें ही नजर आती है हर जगह, मुझे हर जगह बंदूक वगैरह गोली वगैरह मिसाइल वगैरह ही नजर आ रहा होता है। अरे क्या हो गया इसका, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। आपको ले चलेंगे एक दिन पाकिस्तान सर। अरे पाकिस्तान को जब अखंड भारत बनाना होगा तो ले चलेगा। तो वही तो बोलने के लिए चल लेंगे, जब एक करना हो। अखंड भारत बनाएंगे हम। वहां तो बाप रे, दूध कितना लीटर, कितना रुपए एक लीटर हो गया, 200 समथिंग, 75 चावल जो सर। वहां पे आटा, जब वहां पे आटा 250-300 रुपए किलो हो चुका है, फिर तो क्या ही कहना, आटा 300 रुपए किलो बिक रहा है उधर। तो वही देख रहा था कि पाकिस्तान क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्या कौन क्राइसिस था। ठीक है वापस इधर आता है, आज हमें बायोटेक खत्म करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। यस यस हाँ तो देखो क्या है यहाँ पर, मैं आपको बता रहा था कि ये पैनक्रियाज में ही मिलता है, ठीक है। इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, ये प्रोटीन हार्मोन है, इट रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ये डायबिटीज कब होता है, जब हम ग्लूकोज का सिंथेसिस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं रहता, तो शरीर में ज्यादा चीनी जमा हो जाता है। हम कहते हैं ना ज्यादा चीनी जमा हो, इससे आप मीठा मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो इस वजह से कहता है, ठीक है। तो बेसिकली उसके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करने का काम करता है पैनक्रियाज का ये प्रोटीन हार्मोन जो है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी अगर होगा इंसुलिन का तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करेगा, इस वजह से आपको क्या होगा, बीमारी आ जाएगी, जिसका कि हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ये नाम याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपको ऐसा डायबिटीज ना लिख करके सीधा मेलाइटस लिखा आ जाए तो आप समझ जाना ये डायबिटीज के बारे में बात की जा रही है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। पहले के समय में मैंने आपको बता दिया कि स्लॉटर कैटल से मिलता था, पिग से मिलता था, सुअर से, ठीक है, इससे बहुत सारे रिएक्शन होते थे, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर डॉग के, कुत्तों के, सबसे पहले ना कुत्तों से निकाला गया था, तो आप कुत्ते को कितना मारोगे, आप कितने कुत्तों को मार दोगे उसके लिए, वो सारी चीज है, तो अलग अलग जगहों से निकाला जाता था, तो ये सब चीज है। देखो यहाँ पे एक बड़ी खास चीज आपको देखनी है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो क्या होता है, इंसुलिन इज कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन, ध्यान से सुनना, दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पहला क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए और पॉलीपेप्टाइड चेन बी, ठीक है, ये दो चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन में 21 अमाइनो एसिड होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 अमाइनो एसिड होता है। मेंस में आपको काम आएगा, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, डायबिटीज के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो इंसुलिन दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, पहला पॉलीपेप्टाइड चेन ए और दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बी। ए में क्या होता है, 21 अमाइनो एसिड होता है, और बी में क्या होता है, 30 अमाइनो एसिड होता है, टोटल कितना हो गया, 51 अमाइनो एसिड, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके स्ट्रक्चर कि दिखने में कैसा होता है, तो दो अमाइनो, दो इससे बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन से, क्लियर है। देखो आगे नोट में क्या लिखा है, हर एक मैमल में चाहे इंसान हो चाहे कहीं हो, वो क्या होता है, सिंथेसाइज किया जाता है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में या फिर इनमेच्योर इंसुलिन के फॉर्म में। अब देखो क्या होता है, मैं आपको क्या कहा, देखो जितने भी मैमल है ना, चाहे इंसान हो चाहे और कोई हो, ठीक है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन के तौर पे सिंथेसाइज होता है, या फिर उसे हम इमेच्योर इंसुलिन भी कहते हैं, यानी कि इंसान के शरीर में या कहीं भी किसी मैमल में अगर प्रोड्यूस होता है तो ना इमेच्योर इंसुलिन के फॉर्म में होता है। इमेच्योर का मतलब क्या होता है, देखो हमने कहा पहले कि यहाँ पे दो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ए और बी, और इससे मिलके क्या बनता है, इंसुलिन। लेकिन जो एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है ना, उसमें एक इमेच्योर फॉर्म में होता है, जिसमें कि सी भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, सी भी इंक्लूडेड रहता है। जब एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन सी, जिसमें कि 33 अमाइनो एसिड और होते हैं, और ये चेन की तरह काम करता है, जैसे देखो क्या होता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये सी ऊपर आएगा और ये ना, ये चेन की तरह इससे अटैच्ड होगा, ऐसे ये अटैच करने का काम करेगा, तो सी अटैच करने का काम करता है। तो बेसिकली ये आपका इमेच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस रहता है, लेकिन एक्चुअल में हमें यूज नहीं होता है इसका, एक्चुअल में हम चाहते हैं कि सी ना हो, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए होता है मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन।
ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमें सी नहीं चाहिए क्योंकि सी का हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो हमें इसे ये हटाना है। तो समस्या ये है, पहले तो इन लोगों ने बनाने, ये देखो ऐसा कुछ होता है, देखो पहले ये देख लो, छोटा करते हैं इसे जरा, दिख रहा है ये, दिख रहा है ये इमेज, यस सर, ओके। ये देखो ये क्या है, ये आपका ए चेन है, ये देखो ये आपका क्या है, ए चेन है, ठीक है, ये क्या है आपका बी चेन है, और ये क्या है, ये आपका सी पेप्टाइड चेन है। भाई सी पेप्टाइड चेन ने कैसे जोड़ रखा है, देखो इधर ध्यान से, है ना, तो सी पेप्टाइड चेन ने उसे जोड़ रखा है, तो हमें सी को हटाना है, बात यह हमें सी को हटाना है। तो क्या हुआ, जब पहले इसका जेनेटिकली मॉडिफाई हम लोगों ने करने की कोशिश किया ना, तो सी बार बार आ जाता था, और वो बड़ी समस्या देता था इस चीज को। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज पहले जान लो, ए और बी जो है कैसे जुड़ा हुआ है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखें, कौन से लिंकेज से जुड़ा हुआ है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज, ये देखो इधर ये दिख रहा है डाइसल्फाइड लिंकेज, ये SSSSS दिख रहा है ना, तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज, ये डाइसल्फाइड लिंकेज से ए और बी तो पहले से जुड़ा होता है, लेकिन सी भी आकर के इसे जोड़ लेता है, तो ए बी सी तीनों आपस में जुड़ेगा, और हमें सी चाहिए नहीं, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो क्या करना है, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड जीन जो है एमआरएनए बनाएगा, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, फिर सी डीएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाएगा, और सिंपल सा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा, ह्यूमुलिन उसे कहता है, ह्यूमुलिन। देखो इसमें कुछ चीज नहीं दे रखा, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, कुछ ऐसा होने लग गया कि एलाई लिली नाम की कंपनी थी, एलाई लिली, आप नोट कर लो अपने नोट्स में, वो चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं मैंने मेंशन कर पाया इसे, एलाई लिली नाम की कंपनी है, सबसे पहले उसने ये चीज प्रोड्यूस किया था, सिंथेटिक इंसुलिन जो कहते हैं वो उसने प्रोड्यूस किया था, उसने सी को हटा ही दिया था, उसने इस तरीके से सिंथेसाइज किया था कि मतलब सी आ ही ना पाए, तो वो चीज आप ध्यान रखना, अगर ध्यान रख सके तो, एलाई लिली, ठीक है, और सी को हटाना होता है, तो उसने इस तरीके से प्रोड्यूस किया ताकि सी को हटा ही दिया जाए पहले, इस तरीके से क्या क्या कि इंसान का लिया जीन, जीन में से मतलब जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको लिया, कैसे क्या होगा, ये कोई मुझे आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या कि सी को कैसे हटाया होगा, पूरी कहानी वही है, खाली आपको एक जगह इकट्ठा करनी है, क्या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, डज एनी वॉन्ट टू एक्सप्लेन मी, बोलो बोलो बोलो, कैसे शुतुरमुर्ग की तरह शांत बैठ जाते हो, आज से आप लोग का नाम है, और मेरे प्यारे शुतुरमुर्गों, शुतुरमुर्ग हो सारे के सारे, पता है शुतुरमुर्ग क्या होता है, लेजी होता है क्या? नहीं क्रस्टेड ऑस्ट्रिच, वो नहीं सुना, काक चेष्टा बको ध्यानम, सुना है, वो तो मुझे पता ही है, ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग का, हाँ, सबसे बड़ा कोशिका उसके अंडे में। तो बड़ा ही शांत रहता है, शांत रहता है एकदम, मतलब मछली वछली को लगता है कि कोई हरकत नहीं हो रही, एकदम शांत चुप बैठा रहेगा, चुप बैठा रहेगा, चुप बैठा रहेगा, जैसे ही उसकी नजर पड़ती है वही वो झपट्टा मार करके बगुला मछली को खा, रहता है, वो बगुल, बगुला रहता है, शुतुरमुर्ग थोड़े रहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, वो मुझे पता है, तो उसी की तरह दिखता है ना, मैं इसलिए बोला शुतुरमुर्ग, अच्छा उसी की तरह दिखता है थोड़ा सा, चलो ठीक है मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन करने से रहे, सिंपल सी बात है, इंसान का जीन लेगा, ठीक है, सिंपल वही प्रोसेस, सब काटेगा उसे मॉलिक्यूलर सीजर से, काटेगा इस तरीके से, काटेगा फ्रेगमेंट इस तरीके से बनाएगा ताकि ए बी सी तीनों जो लगे हुए हैं, ए को अलग कर देगा, बी को अलग कर देगा, सी को अलग करेगा, इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन करेगा वो, ठीक है, फिर जो सी फ्रेगमेंट होगा उसे वो भाड़ में जाएगा, कहेगा तू भाड़ में जा, हमें उसकी जरूरत नहीं है, ए को पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा, ए को अलग मीडियम में डालेगा, बी को अलग मीडियम में डालेगा, ठीक है, अलग मीडियम में अलग अलग एशिशिया कोलाई में दोनों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक में ए वाला चेन प्रोड्यूस होगा, एक में बी वाला चेन प्रोड्यूस होगा, और फिर दोनों को जब हो जाएगा प्रोड्यूस बड़ी मात्रा में, उन दोनों को एक साथ मिला देगा डाई सल्फाइड की मदद से, सल्फाइड उसके अंदर डाल देगा, बॉन्डेज बन जाएगा और फिर काम हो जाएगा, सी के इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा, समस्या खत्म सी के, ठीक है, इससे आसान हो गया प्रोसेस, समझ आई मेरी कहानी की नहीं आई, समझिए बताओ, यस सर, आगे खुद का दिमाग चला लेते इतना तो, यस आगे सर, चलाओगे आगे आगे चीजों में, कोशिश करूंगा सर। कोशिश करना, बेसिक मैथ सही है, सब होगा खुद से, मैथ से ठीक है,
जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को क्या कहा जाता है? ह्यूमुलिन भी कहा जाता है, ह्यूमुलिन, क्योंकि ह्यूमंस का ही, ह्यूमन से ही बनता है, इसलिए ह्यूमुलिन। अच्छा ठीक है, अच्छा जीन थेरेपी पे आओ। जीन थेरेपी क्या कहते हैं? जब हम लोग फॉल्टी जीन को एक नॉर्मल फंक्शनल हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस कर दे, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। मैंने आपको बताया लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि जीन्स में ऑल्टरेशन की वजह से हो जाता है, म्यूटेशन की वजह से, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जीन थेरेपी। पहली जीन थेरेपी परफॉर्म की गई थी 1990 में, 4 साल की बच्ची के ऊपर, 4 साल की लड़की थी, प्यारी सी गुड़िया थी, उसके ऊपर किया गया था। उसमें बीमारी हो गई थी, उसको एक कमी हो गई थी एडीए एंजाइम की। एडीए एंजाइम क्या है? एडिनोसाइन डी अमाइनेज एंजाइम। इसी कमी हो गई थी, इसके अंदर की डेफिशिएंसी थी, यानी कि कुछ उसके अंदर ऐसा म्यूटेशन हुआ था जिससे कि एडीए एंजाइम जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। देखो आपके भाई अंदर एडीए एंजाइम है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर में होता है, ठीक है, लेकिन उस बच्ची के अंदर उस चीज की डेफिशिएंसी हो गई थी। अब उसी के बारे में एक्सप्लेन करके, क्या है एडीए एससीआईडी? क्या एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जैसे एचआईवी है ना, वैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी देखो, एचआईवी में क्या होता है, वो एक्वायर्ड होता है ना। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड। एड्स होता है, एक्वायर्ड होता है, आप जानबूझ करके आपको होता है, आप चाहो तो एड्स से बच सकते हो। लेकिन एससीआईडी जो है, ये एडीए जो है, ये क्या है? ये जेनेटिकली है, ये आपके हाथ में नहीं होता, ये बचपन से होता है, चीजें वही होती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ही होता है ये, समझ रहे हो मेरी बात? इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ही है, काम सेम जो आपका एड्स का होता है, सेम काम ये होता है, ठीक है। पर एड्स होता है आप एक्वायर्ड, ठीक है, आप एक्वायर करते हो एड्स, आप चाहो तो आपको नहीं होगा, आप कोई ऐसी हरकत ना करो, अपना थोड़ी सी सावधानी बरतो तो आपको एड्स नहीं होगा। लेकिन जो ये है, ये अगर आपको हो गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये चीज है, ये इस चीज की कमी हो जाती है। तो क्या होता है, एडीए जीन जब डिलीट हो जाता है ना, तो देखो क्या लिखा, डिलीशन ऑफ एडीए जीन फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन, बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो क्या होता है? से लिक्विड सब्सटेंस होता लिक्विड भी नहीं होता, सेमी लिक्विड टाइप कह है, सकते हैं आप। बोन मैरो से सिर्फ जो नी वगैरह मज्जा हिंदी में कहते हैं मज्जा, विद्यान जानता होगा मज्जा, विद्यान सुना है मज्जा? यस। अब याद आया कुछ कुछ, ठीक है, बेसिकली मज्जा होता है, मज्जा में से, मज्जा में ही, हमारे मज्जा में ही होता है वो, सेमी लिक्विड जब कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रेड बोन मैरो में से एडीए जीन का डिलीशन हो जाता है, तो अगर वो नहीं होगा तो फिर कोई एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर, अब देखो इसके अंदर ना, एक हमारे अंदर एक सब्सटेंस होता है डी ऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है, ये एक सब्सटेंस होता है जो कि टॉक्सिक कंपाउंड होता है। देखा, ये देखो क्या लिखा है इधर, अ टॉक्सिक कंपाउंड इज फॉर्म नोन एज डी ऑक्सी एडिनोसाइन। तो ये जो है, ये फॉर्म होता है, और अगर एडीए एंजाइम नहीं रहा तो डी ऑक्सी एडिनोसाइन जो है ये ब्रेक नहीं होगा, इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एडीए एंजाइम, इसको ब्रेक करने के लिए। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बी और टी लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट आपको पढ़ करके आ रहा है, ठीक है, पता होना चाहिए बी एंड टी लिम्फोसाइट क्या होता है, बेसिक आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बी एंड टी लिम्फोसाइट जो है, अगर ये नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा ये। इसका मतलब क्या है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं होने देता बी और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये चीज आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना क्या होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, और अगर सप्रेस कर देगा तो सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका हो जाएगा तैयार। यानी कि हम लोगों ने देखा, अगर मान लो हमारे अंदर एडीए एंजाइम जो है, एडीए जीन में ऑल्टरेशन हो गया, वो डिलीट हो गया, एक तो होगा कहाँ पे, वो रेड बोन मैरो में, ठीक है, अगर वो डिलीट हो गया तो क्या होगा, कोई एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, किसी प्रकार का डी ऑक्सी एडेनोसाइन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये हम लोगों ने देखा था, ये कि टॉक्सिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, किसी भी बी और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बी और टी लिम्फोसाइट हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है, इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम फिर सप्रेस होने लग जाएगा, और अगर वो होने लग गया तो क्या होगा, आपको यही बीमारी सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, काम खत्म। तो इसी वजह से ये जेनेटिकली समस्या थी, इसलिए इस बच्ची के लिए हमें ये डाला गया था। तो इसकी ट्रीटमेंट की गई थी, ट्रीटमेंट जो है 3 प्रकार की ट्रीटमेंट दी गई है। पहला चीज, तो अगर आपके अंदर एडी एंजाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप इंसुलिन डालते हो वैसे आप एडी एंजाइम भी अंदर अंदर डाल दोगे, इंजेक्शन की मदद से डाल सकते हो, बोलो हाँ कि ना। अगर आप में इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हो, है ना, यस सर।
अगर ऐसी आपको ये इस एंजाइम की कमी, ईडी एंजाइम की, तो आप इसका इंजेक्शन लगा दो, है ना। तो देखो अगर आप ये इंजेक्शन लगाते हो तो ये काम तो करेगा, लेकिन फिर आपको जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा, आपको बार बार इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये परमानेंट क्योर नहीं माना जाता। फिर क्या, आप बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दो, बोन मैरो को आप ट्रांसप्लांट कर दो, चेंज कर दो, तो वो भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है। उसमें भी कहती है मतलब डॉक्टर्स, जो कि ये भी प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और ये भी आपको दोबारा से समस्या आ ही जाती है, राइज हो ही जाती है समस्या, तो ये भी मेथड नहीं है। अल्टीमेटली आते हैं ये लोग जीन थेरेपी के ऊपर, जीन थेरेपी लेकर के आते हैं, जिसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर से लिम्फोसाइट को निकाला जाता है, उसको बाहर कल्चर किया जाता है, और फिर cDNA eDNA को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है लिम्फोसाइट में रेट्रोवायरस की मदद से, और फिर अंदर डाल दिया जाता है दोबारा से। सिंपल कहानी खत्म, निकाल करके उसे सिंथेसाइज करके आपको लिम्फोसाइट को रेट्रोवायरस के थ्रू, रेट्रोवायरस को यहाँ पे वेक्टर बनाया जाता है और फिर डाल दिया जाता है। रेट्रोवायरस क्यों जाएगा, रेट्रोवायरस मैंने बताया था ये उल्टा काम करता है, ये बताता है क्या, बेसिकली एमआरएनए से डीएनए बनाता है ना। तो वैसे क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाने का काम करता है, रेट्रोवायरस एमआरएनए से डीएनए बनाया जाता है। तो ये बेसिकली अंदर जाता है लिम्फोसाइट हमारे शरीर के अंदर, और ये यहाँ पे फटाफट जीन थेरेपी के थ्रू जो लिम्फोसाइट है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो वो जीन उसके अंदर चला जाता है, एडीएनए जीन चला जाता है उसके अंदर में। सिंपल बात खत्म। लेकिन अब देखो लिम्फोसाइट के अंदर डालता है तो ये भी मॉर्टल है, ये भी आपको लिम्फोसाइट भी मरता रहता है, इस वजह से ये भी उतना काम का नहीं है। लिम्फोसाइट जो, ये भी उतने काम का नहीं है, क्योंकि ये भी मॉर्टल है, मरता रहता है लिम्फोसाइट, नया बनता है मरता है, नया बनता है मरता है, तो ये भी इसका लिमिटेशन है। परमानेंट क्योर क्या है, परमानेंट क्योर है कि बोन मैरो से आप जीन को निकालो जो कि ईडीए एंजाइम को प्रोड्यूस करता हो, वही डायरेक्ट निकालो। ये आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था उसका काम क्या होता है, ईडीए का जो आपका वो है बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, वो प्रोड्यूस नहीं करने देता। तो एक तरीका ये है कि एक तो आप उसे इंजेक्शन देते रहो, दूसरा तरीका ये कि आप बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट उन्हें बनने के लिए उन्हें दे दो, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को वो करके दो एडिट करके, पर फिर भी एडीए की डेफिशिएंसी तो आप कम नहीं कर पाओगे ना। एडीए के लिए आप क्या करो, एडीए के सेल को आप निकालो, उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा रहता है ना, एम्ब्रियो रहता है ना, एम्ब्रियो पता है क्या होता है ना, जब पेट में बच्चा रहता है एम्ब्रियोगेट फॉर्म में, उसी टाइम पे ऑल्टरेशन कर दो, ठीक है, उसी टाइम पे वही रेट्रोवायरस के थ्रू आप उसमें डाल दो, तो आपका काम हो जाएगा, बड़े होने पे काम नहीं करेगा ये चीज, जब छोटे रहते हैं उसी टाइम पे करता है, उसी टाइम पे सक्सेसफुल होता है। तो यही चीज जीन थेरेपी है, ठीक है, जीन में चेंज करना, सिंपल ही बात। उधर से आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसका क्या एप्लीकेशन है। तो देखो क्या होता था पहले, अगर मान लो आप कभी टेस्ट करवाने के लिए जाते थे, आपको सपोज कोई बीमारी है, तो ऐसा होता था, कहता था आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, आपका स्टूल टेस्ट करना पड़ेगा, आपका यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, कहते थे डॉक्टर, बोलो हाँ कि ना। अच्छा अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, बड़ी मजेदार चीज है ये। आप बीमार हो, सपोज आप बीमार हो, लेट सपोज अभी साक्षी बीमार होकर के आई, इसलिए उसका एग्जाम्पल लेते हैं, साक्षी बीमार थी, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहता है देखो हमें पता नहीं कि आपको बीमारी है, सपोज हमें आपका टेस्ट करना पड़ेगा, तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सब कुछ करवाया साक्षी का, फिर वो प्रोसेस होते हुए आया, पता चला, और तब तक पता चला कि ये तो बीमारी बढ़ गई है, भगवान ना करे आपको कोई बीमारी हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को टीबी रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है इनिशियल स्टेज पे, है ना, तो वो चीज है। मेरे सीन में क्या हुआ था, डॉक्टर ने मुझे घोषित किया था मुझे टीबी हो, मेरी टीबी की दवाई चली है 6 महीने, लेकिन मुझे टीबी था ही नहीं एक्चुअली में, रियलिटी में मेरे अंदर टीबी था ही नहीं, मुझे टीबी नहीं हो रखा था, ट्यूबरक्लोसिस, पर डॉक्टर ने 6 महीने तक मेरी दवा चला दी थी टीबी की, कमाल है डॉक्टर भी। तो ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके टेस्ट वगैरह करते हो तो उसमें आपको परफेक्ट नहीं पता चलता है, ब्लड ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में, तो और लेट पता चलता है, जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, ऐसा भी कई बार होता है कि अंतिम स्टेज में पता चला, जैसे किसी किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के लास्ट स्टेज में पता चलता है, ये पहले पता चलता ही नहीं है, कैंसर जो होता है आपको लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है, स्टार्टिंग में पता चल जाता है आप फिर भी उसकी थेरेपी करवा लोगे, लास्ट स्टेज में पता चलता है तो आप कुछ करवा नहीं सकते कैंसर का। तो अच्छा कैंसर होता क्या है बता सकते हो, कैंसर क्या होता है, कौन बताएगा, सब सो गए लगता है, नहीं सर, बताओ फिर कैंसर क्या होता है। किसी को नहीं पता कैंसर क्या होता है। याद आ रहा है, मतलब हाँ कहीं पढ़ा था कि जैसे न्यूरॉन, ये न्यूरॉन में कैंसर नहीं होता, बॉडी टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है? नहीं, गलत। बॉडी टिश्यू सही बोला, पर बॉडी टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं होता। सुनो, देखो, हमारे अंदर ना बहुत तेजी से बॉडी टिश्यू बढ़ने ग्रो लग जाता है, करते हैं अनकंट्रोलेबली। यस सर। अनकंट्रोलेबल हाँ ग्रोथ होता हाँ है हाँ और अदर अनकंट्रोलेबल पार्ट्स से ग्रोथ हो स्प्रेड जाता है होता है। टिश्यू का, इसीलिए तभी न्यूरॉन में नहीं होता है कभी, ठीक है। उसका टिश्यू तुमने मतलब वो बढ़ता ही नहीं है उस। साइंस अच्छे से पढ़ रखा है विद्यानंद? साइंस में यस तुम्हारी साइंस मैम। अच्छी थी, अच्छी है मतलब, ये काफी फायदा देगा आगे मतलब हर जगह, ठीक है। सो बेसिकली अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लग जाता है, तो ठीक है जो भी है, तो मतलब लास्ट स्टेज में पता चलता है। तो ये बड़ी समस्या थी, इसकी लिमिटेशन थी ये चीज की पहले के समय में, तो इसीलिए हम लोग लेकर क्या है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है, देखो, तो पहले इसमें लिमिटेशन दे रखा है, इन्फेक्शन बाय पैथोजेनी सस्पेंडेड बाय आफ्टर सिम्टम प्रोड्यूस, हमें पता कब चलता है, जबकि हो चुका रहता है, सिम्टम आता है, और सिम्टम आता है बाद में, है ना। तब तक क्या होता है, इनका पैथोजन की मात्रा बहुत बढ़ चुकी होती है, वायरस बहुत ज्यादा बढ़ चुका रहता है, और तब ये समस्या देता है। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर का मेथड हमारे पास आ चुका है ना, पीसीआर हम लोगों को पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सब चीज पता है, ये 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनिलेशन और एक्सटेंशन, है ना। इस मेथड से हम क्या करेंगे, फटाफट फटाफट थोड़ा सा होगा ना, मुझसे ज्यादा करके देख लेंगे, तो पता चल जाएगा अच्छा हमारे पास है भी कि नहीं है। तो वो चीज है, पीसीआर मेथड से हमें पता चल जाता है। इन दिस टेक्निक पैथोजन कैन बी आइडेंटिफाई बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल विदाउट अपीयरेंस ऑफ एनी सिम्टम। सिम्टम देखो, अगर मान लो आपको कोई बीमारी है, ठीक है, सिम्टम कब आता है, जब ज्यादा हो जाता है। अगर मान लो कभी बुखार भी होता है ना, हम लोग अपने घर में बताते भी नहीं है थोड़ा बहुत बुखार होता है तो, है ना, ऐसा होता है कि मतलब कोई थोड़ा बहुत अगर तकलीफ होती है शरीर में तो हम किसी को नहीं बताते। जब वो तकलीफ बढ़ने लगती है, जब एक तो पहले हमें शुरुआत में पता ही नहीं चलता, पता चलता है तो हम सबको बताते नहीं, और जब ज्यादा होता है तब फिर घर वालों को पता चलता है ना, जब शरीर एकदम तपने लग जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते, हम हाथ खराब होने लग जाती है, तो जाके घर में बताता है, अदरवाइज घर में वालों को बताते नहीं। तो वो चीज होता है क्या, कि आपको बाद में पता चलता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको पहले ही पता चल जाएगा इजी तरीके से, तब तक आपको एम्प्लीफिकेशन करके, मतलब पैथोजन थोड़ा सा है आपके अंदर, वायरस एक वायरस अंदर घुसा आप पता लगा लो, ये चीज होता है। तो पीसीआर का एप्लीकेशन क्या होता है, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, आप पता लगा सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, आप एचआईवी की डिटेक्शन को पता कर सकते हो, है ना, एचआईवी है कि नहीं है, और एचआईवी मान लो अगर आपको थोड़ा सा भी शक हुआ कि भाई मुझे हो सकता है एचआईवी हो गया हो, मैंने कुछ गलत किया था, मैंने मुझे गलत ब्लेड लग गया था, मतलब जो नाई था उसने किसी और के ब्लेड से मेरे ऊपर लगा दिया और उससे कट लग गया मुझे, आपको शक हुआ, आप तुरंत गए पीसीआर अपना करवाने के लिए कि कहीं जिसका कट लगा था कहीं उसे एचआईवी तो नहीं था, अपने फटाफट टेस्ट करवा, पता चला नहीं, आपको कोई एचआईवी वगैरह नहीं है, तो ये चीज आप कर सकते हो, पहले पता लगा सकते हो। अगर एक एचआईवी का वायरस घुसा होगा, फटाफट फटाफट उसके लिए काम कर सकते हो, लेकिन सिम्टम आने में तो काफी टाइम लग जाता है, और जब सिम्टम आता है तो आप बर्बाद हो चुके हो, तब तक तब आप फिर कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीज रहता है। उसके बाद फिर म्यूटेशन को भी कैंसर पेशेंट में रोकने से पता चलता है, म्यूटेशन रुक जाता है, ये सारी चीजें हैं। ये सब क्या है आपकी, मैंने क्या बताया आपको, ये सब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एम्प्लीकेशन एप्लीकेशन। सब किया। अच्छा क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। फिर रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी देखते हैं क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, हम रेडियोग्राफी से समझ रहे हो कि हम इसमें कुछ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का यूज करेंगे और क्लोन सेल को इसमें बनाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा छोड़ देना इसे रेडियोग्राफी। इसमें प्रोब का मतलब जान लेना, प्रोब का मतलब क्या होता है, प्रोब का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, बस, विच अलाउ टू हाइब्रिडाइज दिस कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस इन क्लोन सेल। देखो मैं बताता हूँ, प्रोब का मतलब समझ लो, क्योंकि हो सकता है ये शब्द पूछते हैं आपसे कई बार, ये प्रोब क्या है, मान लो ये डीएनए का या आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड है आपका, इसको आपने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से आपने इसे क्या क्या लेबल कर दिया, यानी कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि फॉस्फोरस 32, P32, है ना, इससे आपने इसमें डाल दिया, और अब क्या होगा, इससे क्या होगा, हाइब्रिडाइज कर पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इनटू क्लोन सेल, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाने का काम करेगा। बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, वही चीज है, बस इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं प्रोब में, और कुछ नहीं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है ऑटो रेडियोग्राफी में, इसे ज्यादा डिटेल में मत जाना। फिर एक था अलाइजा। अब अगर मान लो किसी को एड्स हो गया, ठीक है, तो एड्स को पता लगाने के लिए ना एक मेथड है, वो है अलाइजा मेथड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इसमें एचआईवी की स्क्रीनिंग होती है और देखा जाता है, एक प्रिंसिपल को यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन,
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो बेसिकली ये पता लगाया जाता है आपको एड्स है कि नहीं है। तो तीन मेथड है, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा। आपको मैंने यहाँ पर डाल तो रखा है, आप देख लोगे अपने नोट्स में, आपको मिल जाएगा ये, बट आपको इसे डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, ये देखो ये डायरेक्ट एलाइजा ये है, ठीक है, और फिर ये देखो इनडायरेक्ट एलाइजा ये है, सैंडविच एलाइजा ये, पर ये आप मत जानना, ठीक है, कोई खास इसमें है नहीं जानने लायक। आप खाली ये नाम याद रखना कि डायरेक्ट एलाइजा है, सैंडविच एलाइजा है, ये देखो एलाइस लिखा है यहाँ पे, एलाइजा होना चाहिए, सैंडविच एलाइजा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के एलाइजा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए एलाइजा टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एकदम सिंपल स्टेटमेंट पूछा जाता है इन सबसे, जैसे कि प्रो टर्म विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, एलाइजा विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होता है एलाइजा क्या होता है, इसके डिटेल में मैकेनिज्म में मत जाना कैसे होता है, ये आपके काम का नहीं है, ये सब हाई लेवल का है, मैंने क्यों डाल दिया, मेरी मती मारी गई थी इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। ओके अब हम कुछ देख लेते हैं, इतना क्लियर है सबको, ये बताओ पहले। यस यस सर। ओके अब देखो, अब देखते हैं कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स या फिर ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को। बहुत अब खत्म होने वाला है, लास्ट स्टेज पे हम आ चुके हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को ऑल्टर कर देते हैं फॉरेन डीएनए डाल करके, ठीक है, उसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब कहते हैं, जैसे इकोलाई, एसिशिया कोलाई, है ना, हम लोगों ने देखा इससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी चीजें इससे होती है इकोलाई से, ठीक है। सेम चीज रिपीट हो रही है, बैसिलस थुरिंजिएनसिस। दूसरा क्या होता है, सॉइल बैक्टीरिया होता है जिसको जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, है ना, जैसे कि बीटी कॉटन बनता है, बीटी टोमेटो बनता है, ये सारी चीजें इससे बनते हैं, बैसिलस थुरिंजिएनसिस। फिर तीसरा है ट्राइकोडर्मा, ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि काइटेनेस को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। काइटेनेस हम क्यों यूज करते हैं, बता सकता है कोई मुझे काइटेनेस को क्यों यूज करता है, व्हाई काइटेनेस इज यूज्ड? हम लोगों ने 3 दिन से काइटेनेस काइटेनेस पढ़ रहे हैं, क्या है काइटेनेस? सिर्फ वो सिर्फ चाइटेन को और डिग्रेड करने के लिए हाँ, और वो किस चीज में होता है, थिटिन, चाइटिन, काइटिन, सब प्रोनाउंस करो अलग अलग छिटिन। तरीके से। हाँ जी बोलिए, किसमें होता है? आए किसके सेल वॉल को हटाने के लिए, सेल वॉल को? प्लांट के, अच्छा प्लांट के सेल वॉल को, अच्छा नहीं नहीं सर, एनिमल, एनिमल के नहीं एनिमल वायरस, में जो तुम्हारे वायरस वायरस नहीं के सर, हाँ फंगाई, फंगल सेल, उसको हाँ दिखाई उसको हुआ था सारे एक दो नाम बार, ले ले लो सब, सारे नाम ले लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना, फंगल फंगल सेल, सेल को करने के लिए करता है। हाँ एनिमल प्लांट के लिए तो आपका क्या यूज होता है, सेल्यूलोज सर, प्लांट के लिए तो सेलुलेज, यूज होता है प्लांट के लिए। सेलुलोज हाँ हाँ नहीं सेलुलेज, ठीक है अब क्लियर है, तो ये चीज है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि काइटनेस को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जहां पास काइटनेस का विद्यान, मैंने कहा था ना कि विद्यानंद मुझे ये सारी चीज ला करके देना, फिर मैं आपकी जीन में ऑल्टरेशन करूंगा, आपके पास मैं कुत्ते वाली यस घूमने वाली शक्ति दूंगा। यस तो सर, आप सोच रहे थे कि कहाँ से मिलेगा मुझे काइटनेस, कहाँ से लाऊंगा, तो मैं कहूंगा देखो एक फंगस होता है, ठीक है, उस फंगस को पकड़ के लेके आ जाओ, ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस को, उससे हम निकाल लेंगे काइटनेस, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा मिल जाएगा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा अब याद रहेगा। सुडोमोनास प्यूटिडा ये चौथा है, ये क्या है, ये स्किविंजर्स की तरह काम करता है। स्किविंजर का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है मैं इंग्लिश की भी क्लास दे रहा हूँ, होता हूँ डेली डेली मुझे सीधे नहीं लगता मैं इंग्लिश का टीचर हूँ कि इस चीज का टीचर हूँ स्किविंजर्स होते हैं जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली उनके ऊपर डिपेंड करते हैं वो, तो ठीक है, बट बेसिकली स्किविंजर का मतलब होता है गंदगी को साफ करने वाले। हाँ नेचुरल क्लीनर, जैसे हम लोग जानते देखते हैं नेचुरल। मैनुअल स्किविंजर, इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है मैनुअल स्किविंजिंग की, कि टॉयलेट में घुस करके जो इंसान लोग सब सफाई करते हैं, कितना डरावना है, बहुत सारे लोग की उसमें डेथ हो जाती है मैनुअल स्किविंजर के तौर यस पर, और फिर भी अभी तक लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं ये चीज को, अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है मैनुअल स्केवेंजर्स को हटाने की, बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है ये।
तो इसकी वजह से बेसिकली सफाई कर्मचारी आप बेसिकली कह रहे हो, जो कि गंदगी को साफ करने वाले होते हैं। अच्छा, विदेशों में ह्यूमन स्केवेंजर्स नहीं होते, वहां पे मशीन सब आ गई है, मशीन सबसे सफाई हो जाती है। इंडिया में मशीन क्यों नहीं है पता नहीं, हालांकि इंडिया में मैनुअल स्केवेंजिंग बैन है, पता है ये बात आपको? ये सब बट फिर भी ये नहीं होता है। सर। एक भंगी नाम की कास्ट होती है, वो बेसिकली इस काम में इन्वॉल्व है, भंगी नाम की कास्ट, यस सर। और फिर लोग उन्हें भंगी भंगी कह कह करके चिढ़ाते भी हैं, जो नहीं चिढ़ाना चाहिए कायदे से। बट ये चीज सच्चाई है कि मतलब वो स्केवेंजर्स की तरह काम करते हैं, और बेसिकली वही चीज है, उनकी डेथ भी हो जाती है कई बार उसमें, जो भी। खैर, सर अब तो मशीन आ गई, वो अंदर डालते हैं और उससे खींच लेता है सारा हाँ कुछ। हाँ अब तो आ गई है मशीन वगैरह सब डेफिनेटली, पर फिर भी अभी जैसे मतलब दिल्ली वगैरह में कई बार क्या होता है ना, नीचे टैंक बना होता है, और टैंक में पानी तो निकल जाता है, लेकिन नीचे का जो मलबा है वो तो अंदर ही रहता है, वो तो निकल नहीं पाता प्रॉपर। तो उसके लिए कहते हैं अगर आपको ये करवाना है तो आपको टॉयलेट की सफाई करवानी पड़ेगी, आप उसमें घुसाओ अंदर किसी को। ये समस्या आज भी है, बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली शहरों की समस्या। गाँव में तो लोग पिटहोल में कर देते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं, गाँव में भी टॉयलेट बन चुका है, बट स्टिल ठीक है। तो स्यूडो स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये क्या है? स्केवेंजर है जो कि हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा अभी रशिया यूक्रेन वॉर जब चल रहा था, तो ना इन लोगों ने एक बड़ा ही एक्सीडेंट कर दिया था, रशिया के पास तेल वहां पे गिर गया था, ऑयल स्पिल हुआ था, पता है आपने सुना था न्यूज? क्या ही सुना था? ऑयल स्पिल होना? इनसे नहीं सुना था। और इस बेसिकली ऑयल स्पिल कहते हैं, सुनो हाँ ऑयल स्पिल होता है, ये यहाँ पे हुआ था अभी यूक्रेन रशिया के वॉर के टाइम पे। और कहाँ पे होता? तो नॉरिल्स्क नाम की जगह थी, नॉरिल्स्क नाम की जगह, वहां पर हुआ था ये, रशिया में ही हुआ था। तो वहां पे बेसिकली तेल, बहुत सारा तेल जो है वो नदी में चला गया था, ठीक है। अब अगर तेल जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि वहां पे जो ऑर्गेनिज्म सब है वो सारे के सारे मरेंगे। क्यों? क्योंकि तेल ऊपर ऊपर रहता है, वो नीचे तो सेटल होता नहीं है, ऊपर छताने लगता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो क्या होगा, नीचे के जो जितने भी जीव जंतु है वो सब सांस नहीं ले पाएंगे, अल्टीमेटली वो सारे के सारे मर जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है वो, पता है इतना ज्यादा। आप सर्च करके देखो, एक काम करो, सर्च करो अपने फोन में नॉर इल्क्स ऑयल स्पिल, NORILSK सर्च करो, किया सर्च नॉर इल्क्स ऑयल स्पिल, देखा क्या? यस सर। हाँ, लाल पूरे कलर का लाल खून लाल जैसा हो नजर गया। आ रहा होगा, सोचो इतना ज्यादा तेल गिरा था इसमें, इतना ज्यादा डीजल गिरा था इसमें कि पूरी नदी लाल हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी। अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है। इसे कहा जाता है कि इसे साफ होने में कई साल लग जाए, कई दशक लग सकते हैं इसे साफ होने में, इतनी गंदगी, इतना गंदा हो गया ये नदी, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है। तो इतनी खराब स्थिति, इतना ये इन्वायरमेंट के लिए भी बड़ा खतरनाक है। तो बेसिकली इन सबको साफ करने के लिए ना स्यूडोमोनास प्यूटिडा नाम का आप यूज करते हो ऑर्गेनिज्म को, जो कि एक स्केवेंजर की तरह काम करता है। अगर मान लो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को डाइजेस्ट कर देगा ये, क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, तो उस हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा। तो मैं सब क्यों बता रहा हूँ, आप ना एग्जाम्पल लिख सकते हो, अभी इसमें आप एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर सकते हो, रशिया का जो एग्जाम्पल दिया मैंने उससे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो इस चीज को, या फिर अगर मान लो ऑयल स्पिल का कुछ आएगा तो उसमें आप ये इस स्यूडोमोनास प्यूटिडा से आप उसे सब्सटेंशिएट कर सकते हो। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन रहा तो इस चीज से सब्सटेंशिएट करोगे स्यूडोमोनास प्यूटिडा से, और अगर बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन रहा तो उसे सब्सटेंशिएट करोगे ऑयल स्पिल से, रशिया को ऑयल स्पिल से। तो इस वजह से मैं रिलेट करते चलता हूँ सब चीज को, क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे बोलना होता है क्लियर, ठीक सर आप बोलते हैं क्लियर तो हम बोलते हैं क्लियर, बोलते क्लियर है तो यस सर। ओके 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 ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अभी हम लोगों ने ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स देखे, अब एनिमल्स को देख लेते हैं। पहले तो इसका फायदा क्या है एनिमल के ट्रांसजेनिक होने का, कि भाई हम लोग को बेसिकली ये समझना कि आखिर ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, इंसान वर्क कैसे करता है, वो सारी चीज हमें आसान होती है जानना, ठीक है। किसी डिजीज को पहचानने के लिए भी, किसी डिजीज को स्टडी करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि एक क्या है ना, सुपर माउस है, सुपर माउस। एक काम करो अपने फोन में सर्च करो सुपर माउस, सर्च करो सुपर माउस को,
भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। देखा? यस सर। ये बड़े बड़े चूहे होते हैं, ठीक है, ये क्या होता सर है? तो ये कार्टून वाला सिर्फ आया। अरे ये से काटना रहा कॉमिक बुक वाला। एक काम करो, विकिपीडिया पे जाओ, विकिपीडिया पे दिखाएगा कार्टून। इमेज में मैं गया हद है मतलब सारे कार्टून का आ रहा। तेरे, विकिपीडिया पे जाओ, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। इंजीनियर माउस हाँ मॉडल्स कैंसर रिसर्च जेनेटिक मॉडल। इंजीनियरिंग, बेसिकली माउस इसमें को, तो हाँ माउस को जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया जाता है। कैसे? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को उसके अंदर डाल दिया जाता है, इंसान के बढ़ने का जो हार्मोन है ना वो उस माउस के अंदर डाल दिया जाता है, जिस वजह से कि चूहा फूल करके बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चूहा नॉर्मल छोटा छोटा होता है, वो बड़ा चूहा हो जाता है। और इससे क्यों क्यों किया जाता है? ताकि ब्रेस्ट कैंसर को स्टडी किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर होता है लेडीज को कई बार, सो बेसिकली ऑब्वियसली जेंट्स को तो नहीं होगा, तो बेसिकली इसके स्टडी के लिए सुपर माउस का यूज होता है। तो अब देखो, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हमें आवश्यकता पड़ी ना, डेफिनेटली यस। कैसे? सुपर माउस एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट करो फॉर द स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये चीज है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? और भी चीज के लिए, जैसे हम कैंसर के लिए भी कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस आपने सुना होगा, अल्जाइमर सुना होगा। अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर बीमारी सुना है कभी? अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर यस सर। कौन सी बीमारी होती है? गजनी मूवी देखी है? भूले वाली भूलने वाली बोला तो ये भुला देता है, मतलब इससे आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर। मेमोरी हाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ हाँ ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? क्या ये जो लिखा है मैंने, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कौन सी बीमारी होती है, सुना है कभी? ओके, नो सर देखो ये भी ना, ये आपके फेफड़ों को और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तबाह करती है, उसको बर्बाद कर देती है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ये शायद, आई गेस, मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये जेनेटिक तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि ये फेफड़ों को और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये वो करती है, इफेक्ट करती है। हाँ सी क्या? बोलो। सर मैं बता देती हूँ कुछ। सर ये एक सेकंड, इसमें लिखा हुआ है एन इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर दैट डैमेजेस द लंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके ओके सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स द सेल्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इट कॉजेस दीज फ्यूज टू बिकम थिक एंड स्टिकी। दे देन प्लग अप ट्यूब्स डक्ट्स एंड पैसेज वे। ठीक है, ठीक है। बेसिकली इतना सफिशियंट है, बेसिकली ये ना इंसान के फेफड़ों को, पेट को खराब कर और देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद कर देता है ये। और जो डाइजेस्टिव जूस सब प्रोड्यूस होता है, जैसे बाइल हो गया और सब जो जूस होता है, उन सबको थिक कर देता है, म्यूकस को थिक कर देता है, जिस वजह से कि दिक्कत होती है। तो ये चीज है, रेयर डिजीज की कैटेगरी में आता है, और ये चीज है, ठीक है। तो बेसिकली इन सबकी स्टडी में हेल्प होता है। फिर तीसरा क्या है? वैक्सीन के सेफ्टी के लिए। वैक्सीन सेफ्टी क्या है? अब मान लो आपने कोई वैक्सीन बनाया, अब क्या गारंटी कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? तो आप उसे किसी के ऊपर टेस्ट करोगे पहले, तो आप किस पे टेस्ट करते हो? सबसे पहले आप टेस्ट करते हो चूहों पे, ठीक है, उसका पे टेस्ट पे उसके बाद टेस्ट करते हो बंदरों पे। अच्छा, चूहों पे क्यों क्यों टेस्ट करते हो आप पहले? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें सिमिलर हो सकती है ह्यूमन से नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है, वो है। रीजन नहीं है, वो बंदरों के लिए रीजन है। चूहों का रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करता है, तो इस बात का डर नहीं है कि ये पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो भी गया ना, मान लो अगर 1,000 चूहे मर भी गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सीन है, ठीक है। चूहे की पॉपुलेशन, चूहे की रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, इसलिए यूज करते हैं माइस का, चूहों का। और मंकी इस वजह से क्योंकि ह्यूमन से काफी ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, एक औरंगुटान को कभी आप लोगों ने देखा है क्या? औरंगुटान कैसा यस सर दिखता? नहीं सर ये क्या है बंदर की सर स्पीशीज है, वो एक बार सर्च करो औरंगुटान, एप्स एप में आता है। हाँ बड़ा बढ़िया दिखता है, एकदम हट्टा कट्टा, 5 फुट 10 इंच का होता है। और सर ये वैसा लगता है एकदम बहुत
बहुत है। अरे कह तो रहा हूँ 5 फुट 10 इंच का होता है हाइट इसका, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 12 इंच ऐसा होता है। छः छः मक्के फुट से का बांधने से मकान। इसकी। हाँ, काफी हैवी होता है, 100-150 किलो के आसपास का होता है। मतलब हमें तो ऐसे उखाड़ के फेंक दे, हमें ऐसे थप्पड़ मारेगा तो बस हम गए काम से। बड़े भयंकर भयंकर बंदर होता है। देखिए अविद्यानंद ऑरंगुटान को। मलेशिया मलेशिया यस सर, अरे पूरे दाढ़ी मूंछ रखे हुए। फुल फुल स्टाइल में रहता है एकदम मस्त। कोई कुछ कह के तो देखे उसे। ठीक है चलो वापस आते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी में यूज होता है, और फिर केमिकल्स के टॉक्सिसिटी के भी पता लगाने के लिए यूज होता है इन सब चीजों का। ऑब्वियस बात है कि कोई कोई केमिकल है वो टॉक्सिक तो नहीं है, तो कैंसर को देखे देख लो, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाई करके। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी ये बनाता है, जैसे कि एक होता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन, ये एम्फीसीमा के लिए यूज होता है। ठीक है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रांसजेनिक शिप जो है ये यूज की गई थी इसके लिए, ट्रांसजेनिक शिप याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब ये बीमारी है एम्फीसीमा, क्या है एक बार मुझे बता दो, मुझे खुद नहीं पता एम्फीसीमा क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, जरा सर्च करके बताओ तो जरा मुझे एम्फीसीमा कौन सी बीमारी है। ओ याद आ गया, याद आ गया, देखा मैंने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लंग्स की बीमारी है। हाँ ऑलराइट, लंग कंडीशन है ना ये, हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हमारी सांस छोटी छोटी होती है। ओके, ये बेसिकली पोल्यूशन एक प्रकार का होता है। आप लोगों ने पोल्यूशन पढ़ा क्या, जो मैंने कहा था पढ़ने लगा खुद से। अच्छा सब पढ़ा था थोड़ा थोड़ा सा। पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना उसको पोल्यूशन को। उसी में एक आता है पार्टिकल पोल्यूटेंट वगैरह सब, जो कि स्मोक वगैरह से होता है, या फिर मान लो चूड़ियां जो बनती है, ठीक है, चूड़ियां जो बनती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स निकलते हैं उससे काफी ज्यादा वो आता है, लंग्स डिजीज वगैरह सब होता है। तो बेसिकली उसी में एक है एम्फीसीमा, लंग्स डिजीज में धुएं वगैरह की वजह से होता ही है, गैसेस वगैरह की वजह से। तो एम्फीसीमा, एम्फीसीमा जो है इससे बचने के लिए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, और ये इसमें किसका यूज किया गया था, ट्रांसजेनिक शीप का, ट्रांसजेनिक भेड़ का, जिसका नाम था ट्रेसी, याद रहता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले ट्रांसजेनिक काउ 1997 ईस्वी में बनाई गई थी, हम सबके जन्म से बहुत पहले बना ली गई थी इसे। ठीक है, रोजी नाम था उसका, ट्रांसजेनिक काउ। ठीक है, मतलब कि काउ में चेंज कर दिया गया था 1997 में। आप सबका जन्म नहीं हुआ था ना तब तक, या हो गया था, हो गया था सर। हो गया था है सच में, किसका सर हो गया था थी हम इंदिरा गांधी के टाइम पे। अच्छा 1997 बोला मैंने, इंदिरा मैं गांधी सर से मतलब। 1977 <अदे? सर मैं laughs> इस टाइम पे भी थी वैसे। इस टाइम पे भी थी, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर में, नहीं सर। रियल में कैसे। यस सर। अच्छा फिर उसके बाद डेथ हो गई बूढ़े होके, तो फिर नया जन्म मिला जबरदस्ती। डेथ हो गई मेरी क्यों डेथ हो क्या गई, मेरा हुआ? जबरदस्ती मैं बोल रहा हूँ अपने बदले कि मैं भी था। क्यों। हाँ फिर मेरा डेथ हो गया बूढ़े होके, तो फिर जन्म लिया। अच्छा पिछले पिछले जन्म में दुश्मन थे क्या आप लोग एक दूसरे के। अच्छा यस सर बहुत। तो दोनों सर, लड़ पैरेलल रहे थे। यूनिवर्स बिल्कुल में क्या पता हो भी अभी भी हो। हो सकता है, क्या पता अभी भी हो दुश्मन, कहते ना हो खाली, हो भी हो सकता है सकता रियल वर्ल्ड में तो नहीं है है। विदान कह रहा हो भी कुछ। सकता है। नहीं सर मैं तो नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी नहीं हूँ। मैंने पैरेलल यूनिवर्स की बात की थी। तो अच्छा पहले तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि लड़ाई हम लोग दोनों लड़े थे। हाँ चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं। यस सर यस सर। टाइम भी बहुत हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म बस बस कीजिए। हो गया खत्म, नहीं खत्म हो। तो 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ थी, रोजी नाम की। ठीक है, वो क्या था बेसिकली ना, जो ह्यूमन होते हैं, लेडीज होती है, उनको दूध कहते हैं ना, माँ का दूध बहुत अच्छा होता है, माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो माँ के दूध में एक होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन करके, ठीक है, वो एक होता है लैक्टोज जिसे कहते हैं, लैक्टोज तो हर किसी में होता है, पर एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन करके होता है, अल्फा 1 लैक्ट एल्ब्यूमिन करके। तो ये है, ये उस गाय में डाल दिया गया था, तो उस गाय से जो दूध मिला ना उससे बहुत ज्यादा ये पाया जाता था। तो फिर वो दूध अगर बच्चे को पिलाया जाए तो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, नॉर्मल गाय में ये प्रोटीन नहीं होता जो बच्चे के लिए चाहिए होता है, वो माँ के ही दूध में मिलता है। ठीक है,
वो गाय को ऐसा बना दिया गया था ताकि माँ को रिप्लेस कर दिया जा सके, तो ऐसा सीन था। तो ये ट्रांसजेनिक काओ रोजी नाम की, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल काओ भी है, गोट भी है, शिप भी है, रैबिट भी है, चूहे भी है, बंदर भी है, और भी बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसमें से 95% जो है वो चूहे हैं, ठीक है, यस क्लियर क्लियर। सर। किलिया लास्ट टॉपिक बचा एथिकल इश्यूज, मैंने इसमें नोट्स नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला मेरे पास, सुन लो ऐसा मुंह से सुन लो। एथिकल इशू आपको इसमें क्या क्या नजर आता है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी के होने से एथिकल इश्यूज इसमें क्या क्या नजर आ रहे हैं? इथिकल इशूज मतलब एथिकल इशू 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 समस्या, एथिकल समस्या क्या क्या नजर आ रही है? मतलब एथिकल मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इशू में तो समझ ही रहा हूँ। इंग्लिश की क्लास मुझे इंग्लिश का ट्यूशन देना पड़ेगा। एथिकल एथिक्स आपका पेपर है ना, जीएस फॉर इथिक्स, यस सर, हाँ, एथिक्स, वही चीज अच्छा वो मोरालिटी, वाला एथिकल, वही वाली एथिक्स है। हाँ मोरालिटी वाला। अच्छा हाँ हाँ नहीं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं एक ही शब्द के अलग अलग, इसलिए मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, बताओ क्या क्या इशू आपको इसमें नजर आ रहा है? चलो उससे पहले ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने कभी ऐसा सुना है कि थ्री पेरेंट बेबी, क्या? क्या थ्री पेरेंट बेबी सुना है? नहीं। एक बच्चे के तीन हाँ, पेरेंट, तीन पेरेंट्स मैं भी कैसे सुना कैसे? हूँ, मतलब ये सुना हूँ ऐसे ही शायद। मतलब कि एक बच्चे के तीन माँ बाप होते हैं, मतलब मम्मी पापा और एक और कोई तीसरा, ठीक है, घर वाली बाहर वाली नहीं, क्या कहते हैं उसे, एक ये एक वो एक बाहर अच्छा का कोई, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। बेसिकली जो कंसीव नहीं कर सकती ना लेडीज, तो वो क्या करते हैं, कंसीव मतलब कि जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, वो ऐसा कुछ होता है कि एक फादर होता है वो स्पर्म को डोनेट करता है, ठीक है, माँ जो है वो वूम्ब को डोनेट करती है, मतलब सप्लाई करती है वूम्ब को। लेकिन उनमें एक समस्या रहती है कि सर, हाँ, और यस उसमें सर, कोई, समझ गया। ये सब हीरोइन करवाती है कि उसे मतलब पेट बाहर ना आए और उसके बच्चे भी हो जाए। वैसे वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, अच्छा, वो अलग चीज है वो अलग चीज है। उसमें तो सिंपल सा यही चीज होता है कि सर, वो तो उनकी उसमें जानती हो गया क्या, सर, जो एक्ट्रेसेस वगैरह वाला है तो जानबूझ के वो तो अपने अपने आप को ब्यूटी अल्लाह उसका वो जो उसमें हाँ वो हाँ डाल, वही वही मैं लेकिन कह रहा हूँ ये सर कि जो बता रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम होती सर है वो उनको। सरोगेसी है क्या? वो सरोगेसी, एग्जैक्टली वो सरोगेसी है, सरोगेसी फैक्ट्री सही का, उसे बोलते कहते हैं सरोगेसी। और अभी इंडिया में एक बिल भी पास हुआ था सरोगेसी एक्ट करके, पास हुआ है, हैं। यस सर, आप लोगों का काम होगा सरोगेसी एक्ट को पढ़ना आज, सरोगेसी एक्ट पढ़ के आना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके फायदे हैं, क्यों लाया गया, उसकी क्या समस्या है, सरोगेसी एक्ट को पढ़ करके आना, ठीक है। हाँ यस तो सरोगेसी, वो सरोगेसी है, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा, ठीक है, अच्छा हुआ ये भी याद दिला दिया, सरोगेसी भी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है पेरेंट में, तो जो एक एनोनिमस डोनर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया अपना डोनेट करता है, तो इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक अलग आदमी डोनेट करता है, कोई लेडीज हो सकती है, कोई जेंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट करते हैं, माँ का वोम्ब होता है, पिता का स्पर्म होता है, और इससे बच्चा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, वो पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया के बिना काम नहीं चलेगा, तो अगर बच्चा के अंदर वो डेफिशिएंसी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, तो बच्चा तो फिर अपंग पैदा होगा, फिर पता नहीं कैसा पैदा होगा बच्चा, जी भी पाएगा कि नहीं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, एक एनोनिमस इंसान के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है, थ्री पेरेंट बेबी। यस यस सर, हाँ, तो सरोगेसी अलग है और ये चीज अलग है, ठीक है, चलो ये हो गया। और कुछ बचा के बायोटेक में, चलो और कुछ आता जाएगा ना तो देखते रहेंगे, अब आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल चुका है तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी, आप विजुलाइज कर पाओगे, तो देखते रहना जो भी है, अपने मन से मैंने बहुत कुछ इंक्लूड कर दिया है। हाँ एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकता है बताओ, क्लास खत्म करनी है। एथिकल इशू आपको इसमें कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर? सब जरूर होगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं होगा, किसी में सब में रहेगा इशू। क्या चीज, हाँ तो बताओ ना क्या क्या नजर आ रहा है।
सर आप ही बता दीजिए। सर अच्छा उसका एक क्या समझ आ बोल रहा है रहा क्रॉप्स हूँ। के केस में। हाँ क्रॉप्स के केस का हो गया, ठीक है। क्या और नजर आ सर रहा है वो तो। एक जैसे क्रॉप्स अगर तो सर जैसे क्रॉप्स जैसे शुगर शुगर केन वगैरह हो गई इनका बार बार ही किया जाएगा सर, रिकॉम्बिनेशन वगैरह तो सर जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्रॉप्स के वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये आपने गूगल किया है? और सर दूसरा नहीं नहीं एनिमल्स वाला हो सर। सकता है, एनिमल्स को जो टेस्ट करते हैं। यस सर। देखो सुनो, पौधों में अगर आप चेंज करते हो तो एक तो समस्या ये है कि पौधे जो है हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, अब जैसे हम लोग बरगद की पूजा करते हैं, हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं, तो एक तो ये कंसर्न है कि इसके साथ छेड़छाड़ होना हमें पसंद नहीं आएगा, है ना। एक ये मॉरल इशू, एक एथिकल इशू है कि मतलब आप किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलवाड़ कर रहे होगे। दूसरा क्या चीज है कि यहाँ पे पौधों में आपको समस्या ये है कि आप उसमें अलग से कुछ चीज डालोगे। अब समस्या ये है अगर आपने किसी पौधे में मछली का जीन डाल दिया, ठीक है। अब मछली का जीन डाल दिया तो जो शाकाहारी लोग हैं उन्हें मांसाहारी जीन आ जाएगा उसके अंदर, तो वो उन्हें कैसे पसंद आएगा? ये एक एथिकल इशू है, एथिकल डायलेमा है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि इधर का उधर। अब मान लो कि बैसिलस थुरिंजिनेसिस ही है ना। अब बीटी है, बीटी क्या है? बैक्टीरिया। अब आपने क्या किया, उससे क्या किया आपने, निकाल करके डाल दिया किसमें? आपने डाल दिया टोमेटो में, बीटी टोमेटो बना दिया, बीटी भुट्टा बना दिया, बीटी मेज। अब क्या हो रहा है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए समस्या ये कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो नहीं खाना चाहेंगे इसे, तो ये एक एथिकल इशू है। फिर ऐसे ही नीमाटोड वाला, अब तंबाकू कोई खाता है, नीमाटोड क्या है ये? तो नीमाटोड तो प्रॉपर एक जानवर दिखता है, वो वॉर्म दिखता है बहुत बड़ा। बैक्टीरिया तो कह दो चल छोटा सा होता है, वो हर जगह होता है, पानी में भी होता है, उसमें भी होता है, उसमें भी होता है, आप कह दो बहाना मार दोगे। नीमाटोड का क्या बहाना मारोगे, है ना। वो तो बड़ा सा जीव होता है, उसमें सब निकाल करके डालते हैं। तो ये सब एथिकल कंसर्न है कि मतलब जो वेजिटेरियन नहीं है उसके लिए समस्या होगी ये चीज। उसके अलावा फिर एक ये समस्या जो है, ये तो है ही डेफिनेटली कि जो अगर मान लो डाइवर्सिटी की कमी, अगर मान लो कोई एक का नुकसान हुआ तो सबका नुकसान हो जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा फसल, तो एक समस्या वो है। पर वो एथिकल डिलेमा नहीं है, है ना। वो एथिकल डिलेमा नहीं है, एथिकल है भी कि हाँ क्या किया जाए नहीं किया जाए, जैसा कह लो बेसिकली वो डिलेमा है, समस्या है, तो एथिकल इशू है वो। और जानवरों के केस में साक्षी ने क्या बोला था, हाँ जैसे कि हाँ अगर मान लो आपने चूहे के ऊपर किया तो क्या चूहे की ह्यूमन राइट नहीं है? चूहे का भी तो अपना ह्यूमन राइट है ना, क्यों विदनन राइट टू उसको लाइफ। एनिमल राइट्स है सर। मैं यही सोच रहा था क्या बोलते हो। पर साइंस में से एनिमल फिर वैल्यू ह्यूमंस क्या में आते हैं बोला ना, जाए, साइंस में। तब एनिमल्स में आते हैं ह्यूमंस भी, हाँ, एनिमल्स में आता है तो डेफिनेटली। एनिमल वेलफेयर बोर्ड क्वेश्चन करने लगे। तो सर ह्यूमंस बोले, अगर एनिमल्स बोलते हम लोग ह्यूमन लेके तो चलता, लेकिन एनिमल को लेके ह्यूमन बोल रहे हैं जी, जो नहीं चल। ठीक है कोई ना। बेसिकली ये आपको समझ आ गया कि अब उनका भी तो अपना ह्यूमन राइट होता है ना, तो उनके ह्यूमन राइट के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। बेचारा चूहा, चूहे का मानवाधिकार का उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते। और बेसिकली सबका अपना, सब प्राणियों में जीव होता है, सब सब जीवों में प्राण होता है, तो उनके साथ वो समझता है। साथ ही आप क्या है उनके साथ खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हो, एकदम अनसाइंटिफिक वैक्सीन वगैरह से आप उनके ऊपर लगा देते हो टेस्टिंग के लिए, बहुत सारे बंदर मर जाते हैं, लूल्हे लंगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी समस्या होती है उन्हें, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो जाती है। तो ये सब एक इथिकल डायलेमा है, ये सब चीज मतलब एक नहीं होना चाहिए, एक तो समस्या ही है। एक बहुत ही बड़ी समस्या क्या है ना, हम अगर जीन ऑल्ट्रेशन करने लग जाए, जीन में अगर तब्दीली होने लग जाए, तो अब विद्यानंद का थॉट था कि उसे कुत्ते की तरह सूंघने वाली चाहिए शक्तियां। तो अब ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे ना टेस्ट ट्यूब बेबी बनने लग जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है कि बेसिकली ना आप सोचोगे कि मेरा बच्चा कैसा हो, ठीक है। अब जैसे तान्या सोचेगी कि तान्या मेरा बच्चा कैसा हो, तो मेरे ही जैसा हो, तान्या कहेगी, है ना, कि मेरी जैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेरे जैसा हाइट, मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसा सब कुछ। अब वो प्लान करेगी, जीन्स में ऑल्टरेशन करेगी कि मतलब मेरी तरह उसका स्किन कलर हो, मेरी ही तरह उसके नाक हो, मेरी ही तरह उसके बोलने का तरीका हो। अच्छा सर, ऐसे ऐसे बोलने वाला हो या बोलने वाली हो, ठीक है। और इसी टाइप को बेसिकली ऑल्टरेशन करती रहेगी वो, और जैसा चाहिए होगा वैसा परफेक्ट लेकर के आएगी। ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगे बच्चे। अब बताओ अगर ऐसा होगा तो ये खतरा है कि नहीं है दुनिया के लिए, संसार के लिए? बहुत यस yes, बहुत बहुत बड़ा बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है कि क्या ये करना चाहिए ह्यूमंस के अंदर, जीन्स पर ऑल्टरेशन, कि मतलब आप टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हो, आप डिजाइन चाइना कर वाले रहे हो। वो हाँ चाइना में ज्यादा टेस्टी बेबी वगैरह ज्यादा चाइना में बनता है,
अच्छा क्या कहीं चाइना में बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी? तो चाइना में टेस्ट ट्यूब भी अगर लोग, वो लोग ज्यादातर रोबोट्स पैदा करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तक ये चीज दुनिया भर में किसी ने अलाउ नहीं किया ऐसा, ठीक है? तो ये अभी तक अलाउड ही नहीं है। अगर कोई करेगा तो उस साइंटिस्ट को मार दिया जाएगा, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई है। भगवान ही उन लोग के साथ, भगवान ही कर देते हैं तो उन लोग क्या ही करेंगे नहीं, वहां का प्रशासन कहता सबसे। है कि रोबोट की तरह बनाया था बचपन से ही, चलो तुम्हें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे ये करना, तो वो बात अलग है। बट नहीं जेनेटिक वो में नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं होता। उसकी उसके ये में मतलब फेस में सब एक ही जैसे दिखते हैं, वो कह रहा हूँ नहीं भगवान नहीं ही कर देते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो ये सब हैं रेसिज्म है, एक जैसे नहीं दिखते। आपको इस वजह से एक जैसे लगते हैं क्योंकि आप लोग उनके बीच में रहे नहीं हो। अंग्रेज लोग हमें अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि आपके ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया है, हमारे लिए उनके अंदर, हमारे अंदर उनके लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और इस वजह से हम अंग्रेज को देखते ही वो हो जाता है, हाँ, अंग्रेज है ये। और इस वजह से हम उन्हें अलग अलग चेहरा नजर भी आता है क्योंकि हम लोग उनके बीच में रहे हैं। आप यूएसए की वीडियो देखते रहते इंडिया हो, की हॉलीवुड की फर्स्ट मूवी टेस्ट ट्यूब देखते बेबी रहते कौन थी? हो। हाँ, क्या कौन इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कानू थी, कैसे? प्रिया अग्रवाल, यही इसी का नाम आ रहा है। देखो वो टेस्ट ट्यूब बेबी ना दूसरा होगा, उसमें बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला होगा वो। मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे जीन ऑल्टरेशन वाला कह रहा हूँ। जो इंडिया अभी में तक कोई कोई जीन नहीं है, ऑल्टरेशन नहीं एक किया भी गया, नहीं है। एक भी नहीं है। हाँ, इंडिया में एक भी नहीं है। चाइना के किसी डॉक्टर ने एक बार करने का कोशिश किया है, एक बच्ची की, छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए, लेकिन मतलब जीन ऑल्टरेशन करने की कोशिश किया, बट अदरवाइज उसने भी नहीं किया है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ चेंजेस उसने भी नहीं किया है। मतलब एक नहीं, चाइनीज डॉक्टर ने किया था, उसके खिलाफ मतलब काफी वो हो गया था कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए वो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो इस बच्ची की जान बचाने के लिए ऐसा किया था। बट जो भी था, मतलब ऐसा नहीं होता है संसार में कभी भी अभी तक तो। पर हाँ, ये चीज होना पॉसिबल है, कभी भी हो सकता है ये चीज। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे पैदा करोगे जैसा आपको चाहिए होगा, और जिसके पास पैसा होगा वो अपना उतना सुपीरियर क्वालिटी का लेकर के आएगा कि भाई ऐसा बच्चा लाए जो एक बार में जो पढ़े वो सब याद हो जाए, सारी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन उसके दिमाग में आ जाए, छप जाए। तो ऐसे ऐसे बच्चे फिर आएंगे फिर बाद में। सर तो उसके लिए तो जिन भी तो चाहिए उसके जैसा। हाँ, तो निकाल लेगा ना, आइंस्टीन का जीन निकाल लेगा वो। आइंस्टीन का अभी भी दिमाग पड़ा हुआ है अपने पास। हाँ ये बात सही है। इतने सारे वो हैं अपने, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह सब बहुत सारे अपने पास, हर साल मिलता है नोबेल प्राइज वगैरह, नोबेल प्राइज विनर्स है। किसी को पकड़ करके उसके वो जीन्स का ऑल्टरेशन कर दो उसके साथ, अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना? अब मान लो किसी के अंदर खुराफात नजर आया, हॉस्पिटल में गए, उनके बच्चे को क्या करते हैं कि किसी के साथ दुश्मनी, बच्चे को बर्बाद कर दो, जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके अंदर का म्यूटेशन करवा दो, बर्बाद बच्चे, है ना? ये भी हो सकता है दुश्मनी की वजह से। तो ये सारे के सारे एथिकल कंसर्न्स हैं। ये सब ऐसा है कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में आपको ये सब चीज समझ आ गए होंगे, है ना? यस सर, अब ये सही है, नहीं तो फिर से आ जाएगा अमीर कौन गरीब कौन, क्योंकि दिख जाएगा बॉडी। अभी तो कपड़े से दिखते हैं, वो दिख जाएंगे बॉडी से। कहेंगे हमारे कान बड़े बड़े होने चाहिए, अब वो अमीर लोग कहेंगे हमारे कान बड़े बड़े होने चाहिए, हम सबकी आवाज सुन सके। अब बताओ, कान बड़े बड़े होने लग जाएंगे, आपको खुद ही देखने में पता चलेगा, अच्छा ये तो अमीर इंसान है गरीब इंसान है, क्या कर लोगे आप? तो कपड़े से तो चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन वो चेंज भी नहीं हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत बड़ा ये एथिकल कंसर्न है और यही समस्या है। बायोटेक्नोलॉजी का अपने फायदे भी बहुत हैं, फायदे हम लोगों ने इतने सारे देखे हैं, नुकसान भी कुछ है, बहुत कुछ है नुकसान इनफैक्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। मजा आया पूरा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में। मुझे तो बहुत मजा आया सर, बहुत। बाकियों को यस सर, बहुत अच्छा था। क्या समझ में भी बहुत अच्छे से आया। बात है, क्या बात है, ठीक है, परफेक्ट। तान्या को मजा नहीं आया, तान्या कुछ नहीं बोल रही। अब बोलने मुझे वाली यही नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ ये सब पढ़ा हूँ कि बहुत